नमस्कार विद्यार्थियों, बच्चों, आज जो हमारा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जो फास्टैग लेक्चर है उसका पार्ट टू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसके पहले जो हमने पार्ट वन डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट हमने जो इंजन वाला तक पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे टिलेज, टिलेज के बाद जितने भी इंप्लीमेंट हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के वो डिस्कस करके लास्ट में सर्वाइंग और ग्रीन हाउस डिस्कस करके ख़त्म करेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को कम्प्लीट। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे, आज क्या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सेकेंड पार्ट और टिलेज से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आप लोगों का क्या काम है, मैं आपको फास्टैग लेक्चर दे रहा हूँ, बिल्कुल काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट कुछ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं, हमारा जो सेकेंड पार्ट है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का वो है हमारा टिलेज वाला, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो टिलेज होता क्या है, मतलब सोइल को क्या करना, मैनिपुलेट करना, सोइल को डिस्टर्ब करना। जो हमारी सोइल है, मतलब फार्मर है, फार्मर के पास ये सोइल है, उस सोइल को ये क्या करता है, फार्मर इस सोइल को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, उसको मैनिपुलेट कर देता है। अलग अलग डिफरेंट इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे प्लाव हो गया, हैरो हो गया, कंट्री प्लाव हो गया, ठीक है, पटेला हो गया, कई सारे हैं, इनका यूज़ करके वो सोइल को क्या करता है, यहाँ पे मैनिपुलेट कर देता है। सोइल में यहाँ पे क्या करता है, उसको लूज कर देता है, उसकी कॉम्पैक्टनेस को ख़त्म करता है। ऐसा क्यों करता है, ऐसा करने के पीछे रीज़न क्या होता है, इसका करने के पीछे रीज़न होता है कि जो सोइल है, सोइल क्या होती है, एकदम कॉम्पैक्ट होती है, उसको वो लूज करता है और एक अच्छी फिजिकल कंडीशन तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, अच्छी फिजिकल कंडीशन प्रिपेयर करता है अपनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर उसको अपने क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा चाहिए तो उसको सोइल की कंडीशन भी अच्छी करनी पड़ेगी। इसलिए जो है फार्मर क्या करता है, सोइल को क्या करता है, टिलेज ऑपरेशन उसके अंदर करता है, ताकि सोइल की जो कंडीशन है वो अच्छी हो जाए, फेवरेबल हो जाए, प्लांट की ग्रोथ उसके अंदर अच्छी हो, तो उसी को यहाँ पर टिलेज कह देते हैं। तो टिलेज क्या हो गया, मैकेनिकल मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे मैकेनिकल क्यों बोला गया, क्योंकि हम यहाँ पे मशीनरी यूज़ करते हैं, मतलब टूल्स इंप्लीमेंट यूज़ करेंगे, कंट्री प्लाव हो गया, ट्रैक्टर ड्रान हो गया, एनिमल ड्रान हो गया, वो तो मैकेनिकल मैनिपुलेशन किसका, सोइल का, विथ टूल्स या इंप्लीमेंट, टूल्स या इंप्लीमेंट की सहायता से हम करेंगे। ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन, एक अच्छी आइडियल कंडीशन किससे, टिलेज के थ्रू हमें एक अच्छी आइडियल कंडीशन मिलेगी सोइल की, किसके लिए, सीड का जर्मिनेशन अच्छी हो, सीडलिंग अच्छी हो, सीडलिंग का स्टैंड मतलब जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, और ग्रोथ ऑफ द क्रॉप की ग्रोथ हमें अच्छी मिले, इसलिए टिलेज कहा जाता है, टिलेज किया जाता है। टिलेज क्या हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। टिलेज के फादर कौन है, जेथ्रो टूल है, ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि जेथ्रो टूल साहब है वो टिलेज के फादर है, लेकिन जीरो टिलेज के नहीं है। जीरो टिलेज के हमने पढ़ा था कौन है, जेबी ट्रिपलेट साहब है, और ये जो साहब है जेथ्रो टूल, ये वीड साइंस के भी फादर कहे जाते हैं, और वीड वर्ड भी क्या इन्होंने ही दिया था जेथ्रो टूल ने। ये बेसिक छोटी मोटी चीज़ें जो जनरल एग्रीकल्चर वाला जो हमारा मैराथन सेशन था उसके अंदर मैंने पढ़ा दिया है, आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया हमारा टिलेज। अब इसमें कंडीशंस आती है क्या, कि इरिगेटेड एग्रीकल्चर के लिए क्या, मतलब कि अगर मान लो आपकी सोइल में जो एग्रीगेट्स होते हैं, मतलब कि जो आपके जो ढेले होते हैं या जो टुकड़े होते हैं सोइल के पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो मोर देन 5 mm डायमीटर्स के हैं तो आप वहाँ पे इरिगेटेड एग्रीकल्चर कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे अगर आप स्मॉल एग्रीगेटेड, मतलब जो डायमीटर है वहाँ पे पार्टिकल्स का, मतलब कि जो ढेले हैं वहाँ पे, वो लेस देन 5 mm है, तो वहाँ पे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर करना चाहिए। टिल्थ क्या होता है, टिल्थ क्या होता है, जैसे अभी हमने बोला कि यहाँ पे हम सोइल को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, सोइल को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एक आइडियल कंडीशन मिलती है सोइल की, क्या मिलती है, सोइल की आइडियल कंडीशन। ये आइडियल कंडीशन ही क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है, ठीक है, ये फिजिकल कंडीशन या आइडियल कंडीशन ही क्या कहलाती है, टिल्थ कहलाती है। टिलेज करने के बाद जो हमें फील्ड पे दिखाई देता है, एक अच्छी कंडीशंस फील्ड की दिखाई देती है, उसी को हम टिल्थ कह देते हैं। फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल ऑब्टेन आउट ऑफ टिलेज, ये देखो टिलेज के, टिलेज करने पर हमें क्या मिलता है, एक अच्छी फिजिकल कंडीशंस मिलती है सोइल की, जो क्या करती है, जिससे हमें क्या मिलता है, हमारे जो प्लांट के लिए एक फेवरेबल कंडीशन में मिलती है, ठीक है, उसी को टिल्थ कह देते हैं। अब टिल्थ जो है देखो क्या होता है, टिल्थ कोर्स टिल्थ भी होता है, फाइन टिल्थ भी होता है, और मॉडरेट टिल्थ भी होता है, तीन को अलग अलग तीन कैटेगरी में दिखाया गया। अब फाइन टिल्थ क्या है, अगर आपने टिलेज क्या किया, जैसे मान लो रोटावेटर से किया, तो वहाँ पे आपके बिल्कुल क्रश कर दोगे वो जो सोइल के जो क्लॉट्स होते हैं, पेड़ से होते हैं, उनको बिल्कुल क्रश कर दोगे, बिल्कुल क्या कर दोगे, फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर दोगे, तो फाइन टिल्थ हो जाएगी।
आपने थोड़े से बड़े एग्रीगेट्स रखे, ठीक है, जो क्लाउड से थोड़े बड़े रखे, फाइन से थोड़े बड़े रखे, तो मॉडरेट हो जाएगा। और कोर स्टील का मतलब है कि वहां पे आपने क्या किया, प्लाउ यूज किया, तो बड़े बड़े जो ढेले दिखाई देते हैं वो कोर स्टील वाली कंडीशंस होती है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो है टिलेज को क्लासिफाई किया गया, टिलेज को जो टाइप है वो दो टाइप के, एक तो ऑन सीजन टिलेज होता है और एक ऑफ सीजन टिलेज होता है। ऑन सीजन का मतलब क्या है कि भाई अभी हमें क्या करना है, दो चार दिन के अंदर क्रॉप को लगाना है, क्रॉप की सोइंग करना है ना, क्रॉप की सोइंग करना है। अभी सीजन हमारा चल रहा है और हमें क्रॉप की सोइंग करना है, इसको बोलते हैं ऑन सीजन। और ऑफ सीजन का मतलब क्या हो गया, ऑफ सीजन का मतलब है कि अब हमें 2-3 महीने बाद जो है हमारा सीजन आएगा, तब हम क्रॉप ग्रो करेंगे, लेकिन फील्ड हम आज ही उसको अच्छी कंडीशंस के लिए, सोइल की अच्छी कंडीशंस बनाए रखने के लिए आज ही हम क्या कर देते हैं, उसमें टिलेज कर देते हैं। सीजन अभी नहीं है, ठीक है, सीजन 2 महीने बाद ही, 3 महीने बाद है, लेकिन आज ही हम क्या कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि जैसे कि मान लो समर में क्या करते हैं, डीप प्लोइंग करते हैं। डीप प्लोइंग का रीजन क्या होता है कि उसमें जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो सनरेज की वजह से, जो उसमें क्या होता है गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, तो जो सूर्य की किरणें होती है डायरेक्ट सोइल पर पड़ती है, तो जो इंसेक्ट पेस्ट के जो क्या बोलते हैं उनको, जो उनके हाइबरनेशन होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पर डायरेक्ट सनलाइट रहती है, तो जिससे इंसेक्ट पेस्ट वो भी खत्म हो जाते हैं। और कुछ जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो भी इंसेक्ट को खा लेते हैं, जब हम मिट्टी को डीप प्लोइंग करते हैं, तो उनके जो अंडे वगैरह होते हैं इंसेक्ट के, जो उनकी लाइफ साइकिल जहां पर वो स्टे करते हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये ऑफ सीजन हो जाता है। देखो ऑन सीजन क्या हो गया, टिलेज ऑपरेशन डेट आर डन फॉर राइजिंग क्रॉप इन द सेम सीजन आर द ऑनसेट ऑफ द क्रॉप सीजन। मतलब वही है कि हमें कब करना है टिलेज, कि जब हमें क्या करना हो, क्रॉप को राइज करना हो, मतलब क्रॉप की सोइंग करना हो या क्रॉप उगाना हो, तब अगर हम कर रहे हैं। जैसे कि कल हमें सोइंग, परसों हमें क्या करना है, सोइंग करना है, तो आज हम फील्ड तैयार कर रहे हैं, तो वो ऑन सीजन हो गया, ठीक है, या ऑनसेट ऑफ मानसून, वही बात है। दूसरा बोला इट में भी प्रिपरेटरी, ये दो प्रकार का होता है, या भी ये तो प्रिपरेटरी होता है और आफ्टर कल्टीवेशन होता है, ठीक है। प्रिपरेटरी मतलब कि अगर हमें सोइंग कल करनी है, आज हम सोइल तैयार कर रहे हो, तो यह हो गया प्रिपरेटरी। और आफ्टर कल्टीवेशन मतलब सोइंग के बाद कुछ हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, सोइल के बाद अगर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे जर्मिनेशन से पहले भी हम वीट कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, उसमें टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो वो आफ्टर कल्टीवेशन हो जाता है। देखते हैं क्या होता है वो। देखो प्रिपरेटरी टिलेज क्या होता है, दिस रिफर्स टू टिलेज ऑपरेशन डेट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर राइजिंग कॉर्न, ठीक है, कि अगर हमें फील्ड में क्या करना है, क्रॉप को लगाना है, उसके लिए अगर हम फील्ड को तैयार करते हैं, तो प्रिपरेटरी से नाम ही आ रहा है, प्रिपरेशन करना फील्ड का, कि हमें क्रॉप लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड को प्रिपेयर करना है, उसके लिए जो टिलेज ऑपरेशन होता है वो प्रिपरेटरी टिलेज होता है। इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग, अब इसके अंदर क्या करते हैं, अगर हमें सोइल को उगाना है, सोइल को जब सोइंग करते हैं, तो हम सोइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो डीप ओपनिंग, लूजनिंग ऑफ द सोइल, सोइल को लूज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो रूट है, रूट का पेनिट्रेशन अच्छे से हो सके सोइल के अंदर, है ना, जो सीड आप लगाओगे तो सीड में क्या निकलेगी, रूट्स निकलेगी, तो रूट्स का जो पेनिट्रेशन अच्छे से हो सके, तो सोइल को लूज किया जाता है। टू ब्रिंग आउट द डिजायर टिल्स एज वेल एज द इनकॉर्पोरेट, अच्छी टिल्स वहां पे हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उसके साथ ही क्या करते हैं, जो वीट होते हैं, वीट को हम क्या करते हैं, अपरूट कर देते हैं, मतलब वीट का कंट्रोल भी होता है, क्रॉप स्टेबल वीट का, और क्रॉप स्टेबल मतलब पुरानी जो क्रॉप होती है उसके जो भी कुछ डंठल वगैरह रेसिड्यूज पड़े रहते हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं, हटाते हैं, व्हेन द सोइल इज द वर्केबल कंडीशन, ठीक है, किसके लिए, तो सोइल को हमें अच्छी कंडीशन बनाने के लिए। तो प्रिपरेटरी टिलेज क्या हो गया, अगर हमें क्रॉप को उगाना है तो उससे पहले हम जो फील्ड तैयार करते हैं प्रिपरेटरी के अंदर आता है, उसके अंदर हम सोइल को ओपन करते हैं, उसको लूज करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, वीट को भी निकाल देते हैं, और जो क्रॉप के रेसिड्यूज होते हैं पुराने वो भी हटा देते हैं, ये प्रिपरेटरी टिलेज है। मतलब कुल मिला के अगर हमें क्रॉप लगाना है तो हमें सोइल को अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ता है। अब प्रिपरेटरी टिलेज दो प्रकार का होता है, प्राइमरी टिलेज और एक होता है सेकेंडरी टिलेज। पहले देखते हैं प्राइमरी। देखो प्राइमरी टिलेज क्या हो गया, प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन डेट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन इज नोन एज प्राइमरी टिलेज आर प्लोइंग। प्राइमरी टिलेज को प्लोइंग भी कहा गया। यहां क्या बोला गया, यहां पे जो है क्रॉप की हार्वेस्ट, मतलब क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद, आफ्टर द हार्वेस्टिंग, मतलब प्राइमरी टिलेज कब किया जाता है, जैसे अभी क्रॉप है, उस क्रॉप को हमने हार्वेस्ट कर दिया, हार्वेस्ट करने के बाद अगर हम वहां पे टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं वो प्राइमरी टिलेज कहलाता है, क्रॉप की हार्वेस्ट करने के बाद। प्लॉइंग इज द ओपनिंग, अब यहां पे प्लॉइंग करते हैं, प्लॉइंग का मतलब क्या हो गया, प्लॉइंग जो हम करते हैं उसमें क्या होता है, ओपनिंग द कॉम्पैक्ट सोइल, जो सोइल जो हमारी काफी हार्ड होती है, बहुत कॉम्पैक्ट होती है, हार्वेस्टिंग के बाद सोइल हमारी बहुत हार्ड और कॉम्पैक्ट होती है, तो उसको ओपन करने के लिए,
ठीक है, अलग अलग प्लाव हम यूज करते हैं उसको हम प्लोइंग कर दे कह देते हैं। जैसे कंट्री प्लाव हो गया, मोल्ड बोर प्लाव हो गया, बॉस प्लाव हो गया, डिस्क प्लाव हो गया, हैवी ड्यूटी डिस्क हैरो, सब सोइल प्लाव हो गया, चीजल प्लाव हो गया, ट्रैक्टर एंड पावर टिलर, ड्रॉन इंप्लीमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे प्राइमरी टिलेज के अंदर आते हैं। क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद हम यूज इनको करते हैं। सेकेंडरी टिलेज की बात करते हैं। सेकेंडरी टिलेज क्या होता है? सेकेंडरी टिलेज दैट परफॉर्म्ड ऑन द सोइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज के बाद, जैसे हम प्राइमरी टिलेज कर देते हैं, उसके प्राइमरी टिलेज करने के बाद अगर हम सोइल में कोई टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी टिलेज के अंदर आता है। और इसके अंदर हम कोई बहुत ज्यादा सोइल का क्या करते हैं, टिलेज नहीं करते, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में, बहुत ज्यादा डीप नहीं करते, फाइन ऑपरेशन करते हैं, लाइटर ऑपरेशन करते हैं। देखो, सेकेंडरी टिलेज कंसिस्ट ऑफ लाइटर और फाइनर ऑपरेशन, बिल्कुल लाइट और फाइन ऑपरेशन इसके अंदर किया जाता है, विच इज डन टू क्लीन द सोइल। मतलब क्या, इसके अंदर जैसे सोइल है हमारी, उसको क्लीन करना, ब्रेक द क्लाउड्स, जो बड़े बड़े ढेले हैं प्लाउइंग के, जब हमने प्राइमरी टिलेज किया तो बड़े बड़े ढेले हो गए प्लाउइंग में, तो उनको ब्रेक करना, उनको तोड़ना, ठीक है, मैन्योर और फर्टिलाइजर को मिलाना, इनकॉर्पोरेट करना सोइल के अंदर, ये सब सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। तो हैरोइंग और प्लांकिंग क्या इस अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ये भी सेकेंडरी के अंदर आता है। प्लांकिंग डन क्रॉस प्लांकिंग से क्या करता है, जो बड़े बड़े ढेले होते हैं वो तोड़ने का काम होता है, प्लांकिंग से सोइल को लेवल करने का काम करता है वो। फिर हैरो आ गया इसके अंदर, कल्टीवेटर हो गया, घंटेकस हो गया, स्वीप हो गया, क्लाउड क्रशर हो गया, लेवलर हो गया, बंड फॉर्मर हो गया, स्पेड हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन या सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट्स के अंदर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि विच वन फॉलोइंग इज द प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट और सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर ये आप नीचे ऑप्शंस दिए हैं चार पांच, इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी टिलेज का है, कौन सा जो सेकेंडरी टिलेज का है, कौन सा जो हॉर्टिकल्चर का टूल है, कौन सा जो हार्वेस्टिंग का टूल है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इसमें सेकेंड जो है, ठीक है, एक प्रिपरेटरी टिलेज हो गया हमारा, प्रिपरेटरी टिलेज के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्कस किया। अब यहां पे है सेकेंड दिया है आफ्टर कल्टीवेशन, ठीक है, ऑन सीजन की बात कर रहे हैं, ये ऑन सीजन में चल रहे हैं अभी, हमें ऑन सीजन जो टिलेज था उसमें दो आते हैं, प्रिपरेटरी और हमारा आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी के अंदर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्कस किया, अब आफ्टर कल्टीवेशन, इसी को इंटर टिलेज भी कहते हैं। देखो, टिलेज ऑपरेशन डेटा कैरी आउट द स्टैंडिंग क्रॉप। जब हम खड़ी क्रॉप में अगर कोई टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो खड़ी क्रॉप में जब कोई हम टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आफ्टर कल्टीवेशन या इंटर टिलेज। देखो, जब हम स्कूल में 11वीं 12वीं में या पीएटी लेवल में पढ़ाया जाता है सेकेंडरी ऑपरेशन, जो सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन क्या है, जो खड़ी क्रॉप में करते हैं, वैसा नहीं है, ठीक है, ये काफी समझदार वाली बात है। अब हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल एकदम बेसिक से सब कुछ क्लियर करना रहता है। तो आफ्टर कल्टीवेशन इंटर टिलेज मतलब स्टैंडिंग क्रॉप में अगर जब हम टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो आफ्टर कल्टीवेशन या इंटर टिलेज कहलाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इसको इंटर कल्टीवेशन या पोस्ट सीडिंग। सीडिंग मतलब कि जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद अगर कर रहे हैं तो, ठीक है, ठीक, इंक्लूडिंग हैरोइंग, इसमें हैरो आता है, होइंग आता है, वीडिंग हम करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, साइड ड्रेसिंग करते हैं फर्टिलाइजर और मेन्यूर का, तो ये सारे आफ्टर कल्टीवेशन या इंटर टिलेज के अंदर आता है, ठीक है, जैसे स्पेड हो, वीडर, ये सारे इसके अंदर। अब ऑफ सीजन की बात करते हैं कि ऑफ सीजन टिलेज क्या होता है। तो ऑफ सीजन टिलेज ऑपरेशन डन फॉर कंडीशनिंग द सोइल, ठीक है। अब यहां पे क्या बात आ गई, कंडीशनिंग द सोइल के लिए, मतलब जैसे मान लो सोइल सुटेबिलिटी फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप आर कॉल्ड ऑफ सीजन टिलेज। मैंने क्या बोला कि जैसे मान लो कि अब हमारे खरीफ सीजन जुलाई में आता है, गर्मी में हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, रबी की क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद हम फील्ड को एकदम तैयार करके छोड़ देते हैं अगले सीजन आने के लिए, ठीक है, उसमें डीप प्लोइंग वगैरह सारी चीज हम करते हैं ताकि जो हमारा अगला जब सीजन आएगा, बारिश होगी, मानसून होगा, तो हम सीधे शोइंग कर देंगे, ठीक है, तो इसको ऑफ सीजन टिलेज कहा जाता है। ऑफ सीजन टिलेज में कई सारी चीजें हैं, कंडीशनिंग सोइल के सुटेबिलिटी के लिए, कंडीशनिंग मतलब कुछ शर्तों के साथ भी किया जाता है। जैसे मान लो हमारी जो है फील्ड है उसके अंदर बहुत ज्यादा खरपतवार है, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑक्सीजन टिलेज में पूरा क्लीन कल्टीवेशन कर देते हैं। क्लीन मतलब कि कोई भी पौधा उसमें छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ खत्म, ना क्रॉप का प्लांट रहेगा ना वीट का प्लांट रहेगा, उसको क्लीन कल्टीवेशन कहते हैं। देखो इसमें पहला दिया है क्लीन कल्टीवेशन, और ये एफओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एफओ में क्वेश्चन पूछा हुआ है क्लीन कल्टीवेशन, क्लीन टिलेज का। इट रिफर्स टू वर्किंग ऑफ द सोइल ऑफ द इंटायर फील्ड, ठीक हो, कि पूरे के पूरे फील्ड में ये काम किया जाता है। इन सच ए वे नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है, कोई भी लिविंग प्लांट वहां पर छोड़ा ही नहीं जाता, पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं।
चाहे वो वीट का हो चाहे क्रॉप का हो, इसको क्लीन कल्टीवेटिंग। याद रखना कि इंटायर फील्ड जो है उसमें कोई भी प्लांट नहीं छोड़ा जाएगा, वो क्लीन कल्टीवेशन है। इट इज प्रैक्टिस टू कंट्रोल वीट। ये देखो, वीट को कंट्रोल करने के लिए सोइल बोर्न जो पैथोजन और जो पेस्ट होते हैं, मतलब जो सोइल के अंदर जो सोइल बोर्न जो डिजीज होती है और जो पैथोजन होते हैं, उनको भी खत्म करने के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा इसमें। फिर ब्लाइंड टिलेज, ब्लाइंड टिलेज हम जानते हैं सुगर केन के अंदर पोटेटो के अंदर की जाती है। ब्लाइंड टिलेज का मतलब क्या है? ब्लाइंड टिलेज का मतलब है कि जैसे हमने सोइंग कर दी, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, सोइंग कर दी, ये हमने बीज लगा दिए, ठीक है, ये सोइंग कर दी। अब सोइंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टिलेज ऑपरेशन करते हैं, सोइंग करने के बाद अभी क्या हुआ, यहाँ पे जर्मिनेशन नहीं हुआ है, तो सोइंग के बाद और जर्मिनेशन के पहले जब हम जो टिलेज ऑपरेशन करते हैं उसको हम ब्लाइंड टिलेज कहते हैं। और ये भी क्या करते हैं, वीट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। सीधी सी बात, ये हमने यहाँ पे सीड को सोइंग कर दी, ये हमारी सोइल है, अभी जर्मिनेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वीट को कंट्रोल करने के लिए, वो हमारा ब्लाइंड टिलेज कहलाता है। देखो, टिलेज डन आफ्टर सीडिंग एंड प्लांटिंग दी क्रॉप। देखो, सीडिंग और प्लांटिंग दी क्रॉप, सीडिंग और प्लांटिंग दी क्रॉप, ठीक है, इन्हें स्टेराइल सोइल आइदर एट दी प्री इमरजेंस स्टेज ऑफ द क्रॉप प्लांट व्हाइल दे आर इन द अर्ली स्टेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप प्लांट, जैसे सुगर केन एंड पोटेटो, डू नॉट गेट डैमेज, बट एक्स्ट्रा प्लांट आर ब्रॉड लीव वीड्स आर अपरूटेड। मतलब वही है कि प्री इमरजेंस, मतलब इमरजेंसी, मतलब क्या होता है, सोइंग जब अंकुरण नहीं हुआ उसके पहले हम क्या कर देते हैं, उसमें टिलेज ऑपरेशन करते हैं, जिससे जो भी अनवांटेड प्लांट होते हैं वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जर्मिनेशन नहीं होता है तो हमारे प्लांट भी क्या होते हैं, डैमेज नहीं होते हैं। तो सुगर केन और पोटेटो में जनरली ये किया जाता है। ड्राई टिलेज क्या होता है? देखो, ड्राई टिलेज इज प्रैक्टिस फॉर द क्रॉप डेट शोन ऑन प्लांटेड इन ड्राई लैंड कंडीशन। अब ड्राई लैंड कंडीशन में जो टिलेज ऑपरेशन प्रैक्टिस किए जाते हैं वही क्या कहलाता है, ड्राई टिलेज कहलाया जाता है। और ड्राई टिलेज के लिए याद रखना लगभग 21 से 23% मॉइस्चर होना चाहिए, और ये ड्राई टिलेज किया ही इसीलिए जाता है मॉइस्चर कंजर्वेशन के पर्पज से। देखो, दिस इज सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टेड जो ड्राई टिलेज किसमें, ब्रॉडकास्टेड राइस में, जूट में, वीट में, ऑयलसीड क्रॉप में, पल्सेस में, पोटेटो और वेजिटेबल में। ड्राई टिलेज डन इन द सोइल हैविंग सफिशियंट मॉइस्चर 21 से 23%। तो ड्राई टिलेज कब किया जाएगा, जब सोइल के अंदर मॉइस्चर जो है 21 से 23% हो, ठीक है। अब वेट टिलेज की बात करते हैं, तो वेट टिलेज अपने आप में क्या होता है, वेट टिलेज अपने आप में होती है पडलिंग। पडलिंग किसमें करते हैं हम, राइस की क्रॉप में, धान के फसल में जो है पडलिंग की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उसकी जो नीचे की लेयर है उसको हार्ड किया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है, ताकि परकोलेशन ना हो पानी का, साथ ही जो न्यूट्रेंट है, जो हम फर्टिलाइजर वगैरह देते हैं, न्यूट्रेंट जो है उसका जो है लॉस ना हो लीचिंग के थ्रू, ठीक है। दूसरा, फिर वीट को कंट्रोल करने के लिए पडलिंग की जाती है। पडलिंग जो की जाती है स्टैंडिंग वाटर में, खड़े पानी में, मतलब भरे हुए पानी में की जाती है, कितना, 5 से 10 सेंटीमीटर जो स्टैंडिंग वाटर होता है उसमें पडलिंग की जाती है। पडलिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ प्लोइंग रिपीटेडली इन स्टैंडिंग वाटर अंटिल द सोइल बिकम सॉफ्ट एंड मडी, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड मडी, बिल्कुल कीचड़ के समान हो जाती है, बिल्कुल, है ना, ठीक है। पडलिंग क्रिएट द इम्परवियस लेयर बिलो दी सरफेस। अब क्या बोला, सरफेस के नीचे जो है वो बिल्कुल हार्ड लेयर बन जाती है, रिड्यूस द डीप परकोलेशन, जिससे क्या होता है परकोलेशन को कंट्रोल किया जाता है, वाटर का लॉस कम होता है, सॉफ्ट सीड बेड वहां पर मिल जाता है राइस की प्लांटिंग के लिए। पडलिंग इज डन इन बोथ डायरेक्शन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन मेन्यूअर एंड वीड्स। तो सीधी सी बात है कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो वीड होते हैं उनको भी बिल्कुल, और जो ग्रीन मेन्यूअर्स होते हैं उनको पूरी तरीके से मिला दिया जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है। अब वेट टिलेज डिस्ट्रॉय द सोइल स्ट्रक्चर एंड सोइल पार्टिकल डेट आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द पडलिंग सेटल लेयर। बात वही है, क्या कर रहे हैं इसमें, वेट लेयर में जो सोइल के जो है उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पूरी तरीके से, क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को, फाइनर पार्टिकल में बिल्कुल कीचड़ वहां पे मचा रहे हैं। वेट टिलेज इज ओनली मीन्स द लैंड प्रिपरेशन फॉर ट्रांसप्लांटिंग या सेमी एक्वेटिक क्रॉप प्लांट्स सच एज राइस। तो वेट टिलेज का मतलब ही क्या है कि जो भरा हुआ पानी है या सेमी एक्वेटिक जो प्लांट्स है जैसे राइस है उसकी अगर हमें फार्मिंग करना है तो वहां पर हमें पडलिंग करना पड़ेगी, ताकि जो है वाटर का लॉस ना हो, परकोलेशन ना हो, लीचिंग लॉसेस ना हो, और वीड वगैरह भी कंट्रोल हो सके, ठीक है। टिलेज सिस्टम की बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टीएलएच वैसे तो डिटेल में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिया है, ठीक है। तीन टाइप्स होता है, एक होता है कंजर्वेशन टाइप, एक होता है रिड्यूस टाइप, और एक होता है कन्वेंशनल टाइप। तीन टाइप होते हैं इसमें मेजर, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है।
कन्वर्जन, देखो कंजर्वेशन टिलेज क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब भी समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, सोइल मॉइस्चर बिल्कुल कंजर्व करके रखना है। और सोइल मॉइस्चर कंजर्व कब होगा, नाम ही समझना। देखो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, बचाना। तो यहाँ पे कंजर्वेशन टिलेज का मतलब ही है कि सोइल का जो है मॉइस्चर है वो हमें बचा के रखना है, ताकि हमारी अगली फसल है उसको हमें पानी कम देना पड़े, या फिर पानी की अगर व्यवस्था नहीं है तो अच्छे से क्रॉप हो सके। तो कंजर्वेशन कब होगा, जब हम टिलेज कम से कम करेंगे। और जब हम टिलेज कम करेंगे तो वहां पर सोइल में क्या होगा, जो पुरानी पुरानी जो क्रॉप है और उसका जो रेसिड्यूज है, उसके जो डंठल है वो ज्यादा रहेंगे। समझ में आ रहा है, कंजर्वेशन का मतलब ये है कि टिलेज हमें कम करना है। टिलेज कम करेंगे तो वहां पर जो पुरानी फसल है, जो पहली फसल थी, उसके जो डंठल वगैरह है वो सोइल के ऊपर रहेंगे, ज्यादा ज्यादा रहेंगे, तो सोइल का मॉइस्चर नीचे बना रहेगा। सीधी सी बात है। तो कंजर्वेशन टिलेज में मतलब क्या है कि 30% या उससे ज्यादा क्रॉप के जो रेसिड्यूज हैं वो सोइल पर, लैंड पर ही छोड़ दिए जाते हैं। और क्यों 30% से ज्यादा, क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पे मान लो ये आपकी क्रॉप लगी हुई है, और आपने यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब है कि आपने कम टिलेज किया। कम टिलेज किया मतलब कि मान लो आपने मिनिमम टिलेज किया, एक ही बार टिलेज किया, एक ही बार टिलेज किया, तो क्या होगा यहाँ पे, ये आपके क्रॉप के रेसिड्यूज जो है वो यहाँ पे सोइल पर पड़े रहेंगे। 30% से ज्यादा क्रॉप रेसिड्यूज जो है सोइल पर ही रहेंगे, तो सूर्य की किरण इन्हीं के ऊपर पड़ेगी, तो नीचे मॉइस्चर बना रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 30 या 30% से ज्यादा क्रॉप के रेसिड्यूज सोइल पर ही रहेंगे, लैंड पर ही रहते हैं, वो कौन सा टिलेज सिस्टम कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। देखो कितना, 1120 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ फ्लैट स्मॉल ग्रेन रेसिड्यूज इक्विवेलेंट टू द सरफेस थ्रू आउट द क्रिटिकल विंड इरोजन पीरियड इज कॉल्ड कंजर्वेशन टिलेज। मतलब लगभग 1120 किलोग्राम जो है फ्लैट और स्मॉल ग्रेन रेसिड्यूज जो है वहीं पर छोड़ दिए जाते हैं, एक हेक्टेयर की बात हो रही है यहाँ पर। और क्या होता है, क्रिटिकल विंड इरोजन पीरियड। अब इससे क्या होगा, विंड इरोजन भी कंट्रोल होगा, क्योंकि अगर हमारा क्रॉप रेसिड्यूज ऊपर पड़ा है तो हवा जो है सोइल के पार्टिकल को उड़ा के नहीं ले जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। रिड्यूस टिलेज क्या होता है, रिड्यूस टिलेज मतलब कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो कंजर्वेशन में मोर देन 30% अगर रेसिड्यूज है तो वो कंजर्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला कि 15 से 30% अगर क्रॉप रेसिड्यूज सरफस पर है। ठीक है, कहाँ पर, सोइल की सरफेस पर। कितने, 15 से 30% सोइल क्या दे, क्रॉप के रेसिड्यूज है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिड्यूस टिलेज। ठीक है, 560 से लेके 1120 किलोग्राम के बीच में। और कन्वेंशनल टिलेज क्या हो गया, कन्वेंशनल टिलेज क्या होगा, कन्वेंशनल टिलेज मतलब लेस देन 15% अगर क्रॉप के रेसिड्यूज, ये रहा लेस देन 15% क्रॉप के रेसिड्यूज अगर सोइल पर है, मतलब लेस देन 560 किलोग्राम ही अगर क्रॉप के रेसिड्यूज सोइल पर है, तो उसको कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल का मतलब है कि कम से कम रेसिड्यूज हमारी सोइल सरफेस पे रहना चाहिए। तो कम से कम कब रहेंगे, जितनी ज्यादा बार हम वहां पे टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो उतना वहां पे रेसिड्यूज कम होता जाएगा। तो कंजर्वेशन में बहुत कम टिलेज किया जाता है और कन्वेंशनल में बहुत ज्यादा टिलेज किया जाता है, इसलिए इसको इंटेंसिव टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब कंजर्वेशन में, अब मैंने बोला कंजर्वेशन टिलेज में कई सारे टाइप आते हैं। देखो मिनिमम टिलेज, कंजर्वेशन का मतलब ही क्या है, सोइल मॉइस्चर को मेंटेन करना है। सोइल मॉइस्चर को मेंटेन करना है तो कम से कम टिलेज करना पड़ेगा, और कम से कम टिलेज मतलब मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज जो है मिनिमम सोइल मैनिपुलेशन, मतलब कम से कम सोइल को डिस्टर्ब किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टिलेज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड मिनिमम टिलेज। अब जैसे मान लो हमें सोइंग करना है, तो सोइंग के साथ कुछ तो मिनिमम टिलेज होगा, तो बस वही किया जाता है। तो इसमें लगभग 30 से लेकर 50% तो क्रॉप रेसिड्यूज जो है सोइल पर बने रहते हैं, जिससे सोइल का मॉइस्चर मेंटेन रहता है। दो प्रकार से हम मिनिमम टिलेज यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कंडीशन है दो, एक तो वो ओमिटिंग ऑपरेशन विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट वेन कंपेयर टू द कॉस्ट। देखो मान लो आपने यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन किया, टिलेज ऑपरेशन का खर्चा आपका 10,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे टिलेज कर रहे हो, आपका खर्चा 10,000 रुपये आ रहा है और आपको जो है फायदा 9,000 का ही हो रहा है, तो आप यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन करने का मतलब ही क्या है, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है 1,000 रुपये का। तो यहाँ पे टिलेज, एक तो इस कंडीशन में टिलेज ऑपरेशन नहीं किया जाता। दूसरा, यहाँ पे बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मतलब कि कब हम करेंगे सीडिंग एंड फर्टिलाइजर अप्लीकेशन, और जब हमें सीडिंग और फर्टिलाइजर अप्लीकेशन करना है तभी हम क्या करते हैं वहां पे टिलेज करते हैं, जिसको हम मिनिमम टिलेज कह देते हैं। ठीक है, फिर मल्च टिलेज, मल्च टिलेज में 30% तक रेसिड्यूज क्रॉप पर रह जाते हैं, और वो क्या करते हैं, मल्चिंग का काम करते हैं, सोइल के मॉइस्चर को कंजर्व करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा रोटरी टिलेज। अब रोटरी का मतलब ही क्या हो गया कि कट करेगा, तोड़ेगा और मिक्स करेगा। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे,
देखो ऑपरेशन इंप्लॉय द रोटरी एक्शन, यहाँ पे रोटरी टिलेज मतलब यहाँ पे रोटरी एक्शन का काम होगा। वो जो टूल क्या करेगा, पहले तो कट करेगा, फिर ब्रेक करेगा और मिक्स दी सॉइल। क्या करेगा, पहले कट करेगा, फिर जो बड़े बड़े ढेले उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, तोड़े के बाद उसके बाद उसको मिक्स कर देगा रेसिड्यूज के साथ, तो ये रोटरी टिलेज हो जाता है। स्ट्रिप टिलेज का मतलब है कि जो बंड्स होते हैं, ठीक है, मान लो ये आपके बंड्स होते हैं, ये बंड्स होते हैं, तो इन बंड्स बंड्स को ही क्या करता है, ब्रेक करता है, तो उसको हम स्ट्रिप टिलेज कहते हैं। सिस्टम ओनली आइसोलेटेड बंड्स ऑफ सॉइल, मतलब कहाँ किया जाएगा टिलेज ऑपरेशन, जो आइसोलेटेड बंड्स होते हैं, जो अलग से बंड्स होते हैं बने हुए, उनको ही तोड़ना, ये स्ट्रिप टिलेज कहलाता है। ठीक है, स्टेबल मल्च टिलेज। अब स्टेबल मल्च टिलेज का मतलब ही क्या है, कि जो पुरानी क्रॉप के जो हमारे स्टेबल्स रह जाते हैं क्रॉप पर, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, एक तरह से मल्चिंग का काम करते हैं। 12 से 15 मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर डेप्थ से उनको क्या कर देते हैं, सोइल में कट कर देते हैं, मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, वो भी सोइल मॉइस्चर का काम करते हैं। बस इतना ही याद रखना है यहाँ पे। जीरो टिलेज। अब जीरो टिलेज भाई, सो वही बात है, प्राइमरी टिलेज पूरी तरीके से इसमें अवॉइड कर दिया जाता है। सेकेंडरी टिलेज करते हैं सिर्फ रो जोन में। रो जोन मतलब कि जब हमें सोइंग करनी रहती है, तो सीधी से अब सीडिल से कर रहे हो तो रो जोन में वहाँ पे टिलेज हो जाएगा। मोस्टली जो है कौन से क्रॉपिंग सिस्टम जो है जीरो टिलेज फॉलो किया जाता है, तो राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में जीरो टिलेज फॉलो किया जाता है, और 50 से लेकर 100% तक क्रॉप रेसिड्यूज जो है फील्ड पर रहेगा। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन टिलेज के अंदर आता है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे प्लाउइंग ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड को किस तरीके से हमें जो हमारी जमीन है उसको किस तरीके से प्लाउ करना है, वो वाली बात है। तो कई सारे टर्मोलॉजी हैं यहाँ पे। एक होता है फरो। देखो पहली चीज फरो क्या होता है, ये इस तरीके के जो बनते हैं, तो ये जो है झुका हुआ अंदर की तरफ उठा हुआ अंदर की तरफ जो है, ये होता है हमारा फरो। और ये क्या होता है, रिज। जो उठा हुआ भाग है वो रिज होता है, और जो नीचे दबा हुआ भाग है वो फरो कहलाता है। तो ये तो हो गया फरो। अब फरो स्लाइस क्या होता है, फरो स्लाइस का मतलब क्या है, कि यहां से आपने मिट्टी उठाई, जो हमारा इम्प्लीमेंट है वो यहां से मिट्टी उठा के इधर डाल देता है, यहां से मिट्टी उठा के इधर डालेगा, तो यहां क्या बने, ये जो कहलाता है फरो स्लाइस कहलाता है। लिखो मास ऑफ सोइल कट, मतलब कि सोइल का मास वो क्या करेगा, कट करेगा। कट करने के बाद उसको लिफ्ट करेगा, इम्प्लीमेंट लिफ्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, साइड में थ्रोन कर देगा, एक साइड पर डाल देगा, उसको हम क्या कर देते हैं, फरो स्लाइस। ठीक है, ये फरो कैसे बना, मतलब जमीन ऐसी थी तो फरो कैसे बना, यहां से उसने मिट्टी उठाई, ये मिट्टी उठाई, मिट्टी को कट किया, उठाया और इस तरफ क्या कर दिया, डाल दिया, तो यहां बन गया फरो। तो ये मिट्टी को उठा के इस तरफ डालना फरो स्लाइस कहलाता है। ठीक है, मास ऑफ दी सोइल कट किया, लिफ्ट किया और एक साइड पर डाल दिया, तो वो फरो स्लाइस हो गया। फरो वाल क्या हो गया, अब जैसे इसने मास ऑफ सोइल यहां से कट किया, कट करने के बाद क्या हो गया, ये कट किया, यहां से उठाया, लिफ्ट किया, तो एक साइड पे जो है ये यहां पे अनडिस्टर्ब जो है वाल रहती है। ठीक है, मान लो ये यहां से इसने फरो उठाया और इस तरफ डाल दिया, तो यहां एक तरफ जो बनेगी वो अनडिस्टर्ब वाल होती है, जिसको फरो वाल कहते हैं। देखो अनडिस्टर्ब सोइल सरफेस ऑफ साइड ऑफ द फरो, फरो के साइड में जो बिल्कुल किसी भी नहीं बिना किसी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस किए जो वाल होती है उसको फरो वाल कहते हैं। क्राउन क्या होता है, अब देखो क्राउन क्या होता है, यहां से मिट्टी उठाई आपने, ये मिट्टी उठाई और कहां डाली, इस तरफ डाली, तो यहां पे ये जो सबसे उठा हुआ भाग रहता है सबसे ऊपर वाला, इसको क्राउन कह देते हैं। क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज। तो ये देखो ये ताज कुछ इस तरीके से हमने देखे है ना, राजा महाराओं के ताज इस तरीके से रहते हैं, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्राउन कहलाता है। तो यहां से सोइल उठाई और इस तरफ डाली, तो यहां उठा हुआ भाग क्या हो जाता है, क्राउन। ठीक है, द टॉप पोर्शन ऑफ द टर्निंग फरो स्लाइस, फरो स्लाइस को जो टर्निंग किया था उसका जो टॉप पोर्शन है क्राउन कहलाता है। बैक फरो क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बेक फरो और डेड फरो, डेड और बेक दोनों। तो रेस्ड राइज्ड लेफ्ट एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप ऑफ लैंड। देखो क्या बोला है, मान लो ये हमारी जमीन है, उसने क्या बोला है कि रेस्ड रीज्ड लेफ्ट, तो यहां पे जो है ना एक उठा हुआ भाग रह जाता है। अब यहां तो आप कैसे दिखाऊं, बीच सेंटर में, सेंटर में जो है एक उठा हुआ भाग जो है यहां पे लेफ्ट मतलब छूट जाता है प्लाइंग के दौरान, इसी को बोलते हैं बेक फरो। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बेक फरो। तो एक रेज उठा हुआ भाग जो है छूट जाता है, मतलब मान लो ये यहां पे हमने ये किया, ये जो है आपका, मैं आपको बना के बता देता हूं, ये आप प्लोइंग कर रहे हो इस तरीके से, ये छूटा यहां पे, ये प्लोइंग कर रहे हो इस तरीके से, तो ये जो रेज्ड एक उठा हुआ भाग ऊपर, ये रेज्ड, ठीक है, ये रेज्ड उठा हुआ भाग सेंटर में छूट जाता है यहां पे, मान लो ये यहां पे सेंटर में, ये जो रेज्ड मतलब एक उठा हुआ भाग अगर छूट गया है तो इसको बेक फरो बोलते हैं। ठीक है, ए रेस्ड रीज लेफ्ट एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप, स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में
स्ट्रिप के बिल्कुल सेंटर में, ये आपकी स्ट्रिप चल रही है, इसके बिल्कुल सेंटर में एक एक भाग अगर उठा हुआ रह गया तो उसको हम बोलते हैं बेक फरो। और डेड फरो क्या होता है? ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल्स। देखो ये आपका, ये आप क्या कर रहे हो यहां पे? प्लॉइंग कर रहे हो। तो ये बिल्कुल दो, एक ये हो गई स्ट्रिप, एक ये स्ट्रिप हो गई, इन दोनों स्ट्रिप के बीच में ये जो है एक बेक क्या होता है, ओपन ट्रेंच छूट जाता है। ठीक है, ओपन ट्रेंच छूट जाता है। क्या बोला है? ओपन ट्रेंच लेफ्ट बिटवीन द टू एडजेसेंट स्ट्रिप। तो दो एडजेसेंट स्ट्रिप के बीच में एक ओपन ट्रेंच छूट जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? डेड बोलते हैं, डेड फरो बोलते हैं। लैंड आफ्टर द फिनिशिंग प्लॉइंग, मतलब प्लॉइंग अगर हम खत्म कर देते हैं बिल्कुल सारी, हमारा पूरा लैंड जो हमने प्लॉइंग कर दी, तो बीच में दो स्ट्रिप के बीच में इस तरीके का एक जो है भाग छूट जाता है, उसको बोलते हैं डेड फरो। इसीलिए आजकल पल्टी प्लाउ हो गया, टर्न अवेस्ट प्लाउ यूज होने लगे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ प्लाइंग में एक गैदरिंग होता है और एक कास्टिंग होता है। गैदरिंग क्या होता है? ये हमारी अगर मान लो फील्ड है, गैदरिंग का मतलब है अगर आपने यहां से क्या वो प्लाउ करना शुरू किया, ट्रैक्टर आपने बीच में से प्लाउ करना शुरू किया, अब यहां आप जो ट्रैक्टर चला रहे हो बिल्कुल प्लाउ लैंड के चारों ओर चला रहे हो। देखो ये कहां चला रहे हो? बिल्कुल जो है प्लाउ आप लैंड के चारों ओर चला, जहां पर आपने प्लाउ कर रखा है उसी के चारों ओर आप चला रहे हो इस तरीके से, इसको बोलते हैं गैदरिंग। ठीक है, ट्रैक्टर आपका इस तरफ से चलेगा, इसको बोला जाता है गैदरिंग। बिल्कुल जो प्लाउ लैंड है जहां पर कल्टीवेशन हो रखा है उसी के चारों ओर चला रहे हो। ठीक हो, द प्लाउ वर्क अराउंड स्ट्रिप ऑफ प्लाउ लैंड, जो प्लाउ लैंड है उसी की तरफ राउंड में आप चला रहे हो, उसको बोलते हैं गैदरिंग। ठीक है, ट्रैक्टर टर्न राइट एट ईच टाइम, ट्रैक्टर जो टर्न होगा राइट में मुड़ेगा एवरी टाइम जो है राइट में मुड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपने यहाँ पे ऐसा बताया, तो आप इस तरीके से ले लो, ये मेरा हाथ इस तरीके, तो मैं हमेशा ये राइट में ही मुड़ूंगा, दोनों बार जो है राइट में मुड़ूंगा, दोनों बार राइट में मुड़ूंगा, इधर से इधर दोनों बार राइट में मुड़ रहा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है। तो देखो राइट में कैसे मुड़ेगा, क्या बोला? ट्रैक्टर हमेशा राइट में मुड़ेगा। मैं इस तरफ से ले गया, मैंने राइट में मोड़ा, यहाँ आ गया, अब इस तरफ से आया तो फिर मेरा ये वाला हैंड राइट हो गया, तो मैं इस तरफ मोड़ा, फिर इस तरफ आया तो इस तरफ राइट हो गया, फिर इस तरफ राइट हो गया। इस तरीके से वो है ना प्लाउ लैंड के चारों ओर ही घूमता है, तो इसलिए बोला जाता है कि वो हमेशा राइट में ही टर्न कराएगा ट्रैक्टर को, इसको बोलते हैं गैदरिंग। कास्टिंग क्या हो गया? अब वो क्या करेगा? अनप्लाउ लैंड में ट्रैक्टर चलाएगा। अनप्लाउ लैंड का मतलब है वो यहां से ले गया, अब ये यहां लाएगा। ठीक है, अनप्लाउ लैंड में अब कहां चला रहा है? किस, ये अनप्लाउ लैंड है, अनप्लाउ लैंड के चारों ओर चला रहा है। ये देखो ये कहां चला रहा है? अनप्लाउ लैंड के चारों ओर चला रहा है, ये बीच में अनप्लाउ लैंड है। तो देखो क्या बोला है, वर्क अराउंड द स्ट्रिप ऑफ अनप्लाउ लैंड। ठीक है, अनप्लाउ लैंड के चारों ओर चला रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कास्टिंग बोल देते हैं। हमेशा लेफ्ट में वो मुड़ेगा, या हर बार वो कहां मुड़ेगा? लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, हमेशा वो लेफ्ट साइड में मुड़ेगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है गैदरिंग और कास्टिंग। अब डेप्थ देखो, क्रेडा के अकॉर्डिंग क्या डेप्थ होनी चाहिए तो प्लाउंग की, तो सेलो मतलब अगर हमें बहुत कम ऊपरी ही प्लाउ करना है तो 5 से 6 सेंटीमीटर में कीजिए, मीडियम डेप्थ रखनी है तो 15 से 20 सेंटीमीटर, और बिल्कुल डीप में प्लॉइंग करना है तो 25 से 30 सेंटीमीटर हमें क्या रखना है? डेप्थ रखनी है। टाइम ऑफ सोइंग की बात करें तो कब करना चाहिए? जब क्या हो? ऑप्टिमम सोइल मॉइस्चर फील्ड का कितना हो? 60%, है ना? क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि टिलेज ऑपरेशन कब करना चाहिए? जब सोइल का मॉइस्चर 60% हो तब सोइल का टिलेज या हमें कल्टिवेशन करना, मतलब सोइल का टिलेज ऑपरेशन करना चाहिए। अब प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन की बात करें, इंप्लीमेंट की बात करें, सबसे पहले इंडिजीनियस प्लाव आता है। इंडिजीनियस प्लाव आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका बना हुआ होता है इंडिजीनियस प्लाव। ये बंदा यहाँ से पकड़ता है, ठीक है, और ये यहाँ पे प्लोइंग करते हुए चलता है। ये चेयर होता है, ये बिल्कुल सोइल को डिस्टर्ब करते हुए चलता है। यहाँ पे बेल लगे होते हैं, बेल चलाते हैं इनको। ठीक है, ये कंट्री प्लाव बोला जाता है इसको। तो ये एनिमल रन होते हैं, एनिमल रन मतलब वही, यहाँ पे कौन चलाता है इनको? बेल चलाते हैं। ठीक है, बेल चलाते हैं इनको। अब यहाँ डायग्राम बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको बेल चलाते हैं, पीछे बंदा है जो है वो पकड़ के चलता है, और यहाँ पे जो है प्लाउ होता रहता है। ठीक है, एल सेप प्लाउ बोलते हैं, एल सेप होता है, और ये जो वी सेप में ये क्या करता है? प्लोइंग करता है, वी सेप में प्लोइंग करता है। तो ये जो 10 से 12 से 15 मीटर, तो ये ऊपर जो है 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? विड्थ वी सेप की, और ये 12 से 15 मीटर क्या करता है? डेप्थ में काम करता है। देखो यहाँ पे पेनिट्रेट इनटू द सोइल एंड ब्रेक द सोइल, ये सोइल के अंदर पेनिट्रेट करेगा ये, और सोइल को ब्रेक करता है, तोड़ता है। वी सेप में इसका फरो जो है वी सेप में होता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये फरो इसका कैसा होता है? वी सेप में होता है। ठीक है, जो कूड़ बनेगा वो वी सेप का बनेगा। 15 से 20 सेंटीमीटर उसके टॉप विड्थ होती है, मतलब ये टॉप की जो विड्थ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, ये वाली विड्थ 15 से 20 सेंटीमीटर, और गहराई उसकी जो है
वो 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, ये जो है 12 से 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक जाके काम करेगा। यूज फॉर प्लाइंग ड्राई लैंड, गार्डन लैंड और वेट लैंड। ड्राई लैंड में भी, गार्डन लैंड में भी और वेट लैंड में सबने ये काम करता है। साइज ऑफ द प्लाव रिप्रेजेंट द विड्थ ऑफ द बॉडी और एंड द फील्ड कैपेसिटी। तो प्लाव की साइज जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, विड्थ ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो विड्थ है उसके प्लाव की, और फील्ड कैपेसिटी के को रिप्रेजेंट करता है। कितना ये काम कर सकता है, तो 0.4 हेक्टेयर एक दिन में काम कर सकता है। मतलब अगर आप कंट्री प्लाव यूज कर रहे हो तो एक दिन में 0.4 हेक्टेयर आप जो है फील्ड को कल्टीवेट या प्लाइंग कर सकते हो। फंक्शनल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, शेयर होता है, बॉडी होती है, शू होता है, हैंडल होता है और बीम होता है। तो सारे पार्ट इसमें क्या होते हैं, वुडन के होते हैं, बस ये शेयर को छोड़ के। ये शेयर जो है ये लोहे का होता है, बाकी सारे पार्ट जो है वो क्या होते हैं, वुडन के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। इसको मल्टीपर्पज प्लाव भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन इज द मल्टीपर्पज प्लाव, ठीक है, ये लिखा गया है कि सारे मल्टीपर्पज प्लाव होता है। शेप जो होता है प्लाव का एल शेप का होता है, ये इस तरीके से होता है ना, एल शेप का, ठीक है। प्लाव अल्सो कॉल्ड, इसको कंट्री प्लाव भी बोला जाता है। फील्ड कैपेसिटी मैंने बताई थी 0.3 से 0.4 हेक्टेयर पर डे होती है। फिर मोल्डबल प्लाव की बात करते हैं। मोल्डबल प्लाव जो है वो एनिमल ड्रान भी होता है, पावर टिलर भी होता है, ट्रैक्टर ड्रान भी होता है, ठीक है, इसमें सभी तरीके का ये अवेलेबल है। फंक्शन क्या है मोल्डबल प्लाव के, तो ये क्या करेगा, फरो स्लाइस का मतलब क्या है, सोइल, मास ऑफ सोइल को कट करता है, लिफ्ट करता है और अलग फेंक देता है। कटिंग भी कर रहा है, कटिंग करने के बाद लिफ्ट भी करेगा, लिफ्ट करने के बाद उसको इन्वर्ट करेगा, मतलब उसको मिलाने का काम भी कर देता है, ठीक है, और पल्वराइज दी फरो स्लाइस, तो सारे काम करता है। कट भी करेगा, उसको उठाएगा भी सही, उसको क्या करेगा फिर, इन्वर्ट भी करेगा, उल्टाएगा भी सही और पल्वराइज करेगा, मतलब मिलाने का काम भी करता है। तो ये मोल्डबल प्लाव के क्या है, फंक्शन है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है उसका स्ट्रक्चर ना, इस तरीके से कुछ बना रहता है, ये पीछे की तरफ कुछ और चोंच टाइप बन गया है, तो ये कुछ इस तरीके से रहता है इसका शेप प्लाव का, है ना। तो यहां पे ये जो होता है ना, ये प्लाव बॉटम होता है। देखो प्लाव बॉटम क्या होता है, कट लिफ्ट और पल्वराइज एंड थ्रो द सोइल आउट ऑफ द फरो। तो प्लाव बॉटम जो होता है, प्लाव का जो बॉटम होता है, ये क्या करने का काम करता है, सोइल को कट करेगा, फिर यहाँ से लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करने के बाद उसको पल्वराइज करके सोइल को साइड में फेंक देगा, ठीक है। इसलिए जो ऊपर वाला भाग रहता है ना, ये सोइल को साइड में फेंकने का काम करता है। कंपोस्ट ऑफ द दोज पार्ट इज नेसेसरी रिजिड स्ट्रक्चर, कट लिफ्ट टर्न एंड इन्वर्ट द सोइल। वही बात लिखी है यहाँ पे, कंपोनेंट क्या है प्लाव बॉटम के, तो उसमें शेयर होता है, मोल्ड बोर्ड होता है। देखो ये तो शेयर हो गया, ये जो पार्ट होता है ये मोल्ड बोर्ड कहलाता है, ये जो पार्ट है ना ये मोल्ड बोर्ड कहलाता है, ठीक है। लैंड स्लाइस, फ्रॉग और टेल प्राइस। लैंड स्लाइस क्या करता है, लैंड स्लाइस जो होता है ना वो प्लाव को बैलेंस करने का काम करता है। मतलब प्लाव को जो एक, जब आप जमीन में मान लो आप किसी चीज को फोर्स लगा रहे हो तो आपके सामने वाली चीज भी आपको अपोजिट धक्का देती है। जब प्लाव चलता है जमीन में तो जमीन भी क्या करती है, उसको प्लाव को वापस ऊपर की तरफ धक्का देती है। मतलब जमीन क्या करती है, वो भी ताकत लगाती है, जैसे प्लाव चल रहा है, प्लाव चल रहा है तो जमीन भी क्या करेगी, अपना फोर्स लगाती है। तो लैंडस्लाइड क्या करता है, लैंडस्लाइड यही काम करता है कि प्लाव को बैलेंस रखने का काम करता है, ठीक है। मोल्ड बोर्ड की बात करते हैं। मोल्ड बोर्ड, इट इज पार्ट ऑफ द प्लाव विच रिसीव द फरो स्लाइस। अब मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा पार्ट होता है ना, ये मोल्ड बोर्ड होता है, ये क्या करता है, ये फरो स्लाइस यहाँ से इसको, ये यहाँ पे रिसीव करता है, इसको रिसीव करता है, ठीक है। शेयर से आता है, ये शेयर है जो कट कर रहा है, ठीक है। जो ये यहाँ से जो आएगी मिट्टी, ये मोल्ड बोर्ड के पास आएगी, मोल्ड बोर्ड इसको रिसीव करता है, ठीक है। लिफ्ट करेगा, टर्न करेगा, ब्रेक करेगा फरो स्लाइस को। अब क्या क्या है इसमें, जनरल पर्पज वाला होता है, स्टेबल टाइप मोल्ड बोर्ड होता है, शॉर्ट ब्रेकेज टाइप होता है और स्लेट टाइप। ये मोल्ड बोर्ड के जो है टाइप दिए हैं। जनरल टाइप मतलब क्या हो गया कि इसका मीडियम कर्वेचर होगा, ये जो कर्वेचर होगा वो मीडियम होगा, ठीक है। और स्टेबल एंड शॉर्ट टाइप ये होता है। अब स्टेबल टाइप देखो, स्टेबल मतलब कि जनरल पर्पज वाला जो है ना, स्टेबल और जो शॉर्ट टाइप है, ये स्टेबल और शॉर्ट टाइप है, इन दोनों के बीच का है, मतलब मीडियम टाइप का है, ठीक है, कर्वेचर उसका मीडियम रहेगा। और स्टेबल सोइल इज दैट सोइल इन विच स्टेबल ऑफ द प्लांट फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप। जो प्रीवियस क्रॉप के जो स्टेबल्स कुछ रह जाते हैं उनको निकालने के लिए स्टेबल टाइप का मोल्ड बोर्ड यूज करते हैं। फिर शॉर्ट या ब्रिकेज टाइप जो होता है, तो ये किसके लिए, स्पेशली जो शॉर्ट सोइल होती है, जो ग्रासी सोइल होती है, उसके लिए शॉर्ट टाइप मोल्ड बोर्ड यूज करते हैं। स्लेट टाइप का जो होता है वो स्टिकी सोइल के लिए यूज किया जाता है। तो जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टिकी सोइल के लिए किस टाइप का मोल्ड बोर्ड यूज किया जाता है, तो याद रखना स्लेट टाइप का।
सोर सॉइल है या ग्रासी सॉइल है उसके लिए कौन सा किया जाता है, तो ये सारी चीजें हमें इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब क्या होता है, प्लाव में कुछ एसेसरीज है, जैसे जॉइंटर होता है, कितना 4 से 5 सेंटीमीटर कट लगाता है जॉइंटर जो होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, जो स्मॉल रिबिन होता है, ठीक है, टर्न ओवर ए स्मॉल रिबन लाइक फरो स्लाइस डायरेक्टली इन टू द फ्रंट ऑफ द प्लाव बॉटम। जो प्लाव बॉटम होता है उससे जो फरो स्लाइस है उसको डायरेक्टली ले लेता है जॉइंटर। ठीक है, जो मेन प्लाव बॉटम होता है, ये जो मेन प्लाव बॉटम होता है, ये जो प्लाव बॉटम होता है, यहां से ये क्या करता है, डायरेक्टली जॉइंटर जो है डायरेक्टली ले लेता है और 4 से 5 सेंटीमीटर का कट लगाता है। दूसरा होता है कोल्टर, तो ये जनरली यही पूछा जाता है जॉइंटर किसका पार्ट है, कोल्टर किसका पार्ट है, तो ये सीधी सी बात है मोल्ड बॉल प्लाव का पार्ट है। ठीक है, कोल्टर क्या काम करता है, ये भी क्या करता है, फरो स्लाइस को कट करता है, लेकिन ये वर्टिकली फ्रॉम द लैंड अहेड द प्लाव बॉटम। तो प्लाव बॉटम के आगे से जो जो लैंड है वहां से वर्टिकली जो है क्या करेगा, फरो स्लाइस को ले लेगा, इसको कोल्टर कहते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप देख लेना। गेंग वाल व्हील क्या होता है, एक्सिलरी व्हील ऑफ द इंप्लीमेंट टू मेंटेन द यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ वर्किंग। अब जो सीधी सी बात है, गेंग व्हील का क्या काम है, यूनिफॉर्म डेप्थ जो है, मान लो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की डेप्थ में आपको प्लोइंग करना है, 4 सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर में प्लोइंग करना है, तो उस डेप्थ को मेंटेन रखने का काम करता है गेंग व्हील। ठीक है, बस इतना ही याद रखना, हैंगिंग पोजिशन में होता है ये। ठीक है, एडजस्टमेंट मोल्ड बॉल प्लाव का वर्टिकल एडजस्टमेंट होता है, वर्टिकल क्लियरेंस होता है उसका, वर्टिकल क्लियरेंस होता है, हॉरिजेंटल क्लियरेंस होता है, बस दो चीज याद रखना, वर्टिकल क्लियरेंस होता है, हॉरिजेंटल क्लियरेंस होता है। डिटेल में ना भी जाओगे तो चलेगा, डिटेल में बस आप क्या याद रख सकते हो कि जब वर्टिकल क्लियरेंस होता है उसमें 3 से 5 mm तक क्या करता है वो डेप्थ में जाता है। ठीक है, साइज ऑफ द डेप्थ कितनी है, 3 से 5 mm, और इसमें जो साइज ऑफ द डेप्थ जो होगी साइड क्लियरेंस जो होता है वो 5 mm का होता है, बस इतना याद रखना, डेफिनेशन लिखी हुई है पढ़ लेना डेफिनेशन। ठीक है, टाइप देखो मोल्ड बॉल प्लाव के, एक तो फिक्स टाइप का होता है वन वे मोल्ड बॉल प्लाव, मैंने बोला जो वन वे है, जो वन वे है उसी में होता है ये डेड फरो बैक फरो का काम उसी में रहता है। ठीक है, डेड फरो और हेड जो बैक फरो का जो छूटना है वो वन वे में होता है। टू वे और जो रिवर्सिबल प्लाव होता है, अब रिवर्सिबल प्लाव में क्या होता है कि जो वो ट्रेंच जो एक बीच में छूटता है ना वो नहीं छूटता है, डेड फरो नहीं बनता है, और एक टर्न ब्रेस टाइप का होता है। तीन टाइप के होते हैं मोल्ड बॉल प्लाव, बस टाइप याद रखना है। फिर दिया है साइज ऑफ मोल्ड बॉल प्लाव डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ कट। ठीक है, विड्थ ऑफ कट के बेसिस पे मोल्ड बॉल प्लाव की साइज भी दी हुई है। अगर मोल्ड बॉल प्लाव ऑन द ग्राउंड, अगर ग्राउंड में आप यूज करना है तो 18%, ठीक है, साइज जो है क्या रखे हुए, विड्थ ऑफ कट 18%। फिर अगर मान लो फरो स्लाइस के लिए तो 34%, और अगर आपको कटिंग स्लाइस लेना है प्लाव के लिए तो 48%। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, ये पार्ट है किसका, मोल्ड बॉल प्लाव का, जो प्लाव बॉटम और हैंडल से अटैच होता है, याद रखना। स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड जो है मोल्ड बॉल प्लाव का एक पार्ट है जो प्लाव बॉटम और हैंडल से अटैच होता है। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लाव एट द डिस्टेंस, अब क्या बोला है यहाँ पे, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लाव एट द डिस्टेंस 3/4 साइज ऑफ द प्लाव फ्रॉम द सेयर पॉइंट। तो सेयर पॉइंट से लगभग 75% लिखा है, मतलब 3/4, मतलब 75% डिस्टेंस पे होता है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, साइज ऑफ द लाइट प्लाव कितनी होनी चाहिए, अगर लाइट प्लाव है तो विड्थ ऑफ कट कितनी होती है, 100 mm से 150 mm, मीडियम है तो 150 से 200 mm विड्थ ऑफ कट होता है, और हैवी अगर मोल्ड बॉल प्लाव है तो लगभग 20 सेंटीमीटर या 200 mm विड्थ ऑफ कट करता है। ट्रैक्टर ड्रान की बात करें, लोअर लेंथ साइड है तो लेंथ कितनी, 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मीडियम लेंथ साइड है तो 15 से 20 सेंटीमीटर। ट्रैक्टर ड्रान की बात करो, ब्रैकेट में लिखा ट्रैक्टर, मतलब ट्रैक्टर ड्रान की बात हो रही है। ठीक है, और अगर मान लो हाई लेंथ साइड है तो मोर देन 20 सेंटीमीटर जो है क्या रखना है आपको, लेंथ रखना है। ठीक है, जब ट्रैक्टर ड्रान की बात हो रही है, मोल्ड बॉल प्लाव ट्रैक्टर पुल कैन बी वर्क, लगभग 1.5 से 2 हेक्टेयर पर डे काम कर सकता है ट्रैक्टर वाला, और अगर 3 बॉटम वाला ट्रैक्टर है तो 2.5 से 3 हेक्टेयर पर आवर काम कर सकता है। ठीक है, और फील्ड कैपेसिटी कितनी दी है, 0.25 से 0.35 हेक्टेयर पर आवर, आवर में दी है, 8 घंटे से 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डे में बदल जाएगा। ठीक है, एक दिन में 8 घंटा जो काम होता है वो माना जाता है, तो अगर 8 घंटे से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक दिन का निकल के आ जाएगा। डिस्क प्लाव की बात करते हैं, ठीक है, अब क्या बात करते हैं, हम डिस्क प्लाव की बात करते हैं। डिस्क प्लाव जो है वो भी क्या करता है, कट करता है, टर्न करता है, कट करेगा सोइल को, टर्न करेगा, सम केसेस ब्रेक फरो स्लाइस, फरो स्लाइस को ब्रेक भी करता है बाय मीन्स ऑफ सेपरेटली माउंट लार्ज स्टील डिस्क, ये सेपरेटली लार्ज मोर्स एंड स्किल डिस्क लगी होती है, ये इसे कट करता है, टर्न करता है, फरो स्लाइस को ब्रेक भी करता है। कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर क्लाइमेट क्या हो,
ड्राई। सॉइल क्या हो? रफ, स्टिकी, स्टम्पी हो, रफ, स्टिकी, स्टम्पी हो एंड स्टोनी हो। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है डिस्क प्लाव में। एक तो ये क्वेश्चन कि ये जो ड्राई क्लाइमेट होता है, ड्राई सॉइल होती है या फिर रफ, स्टिकी, स्टम्पी या स्टोनी पत्थर वाली जमीन होती है, वहाँ पर डिस्क प्लाव यूज़ करते हैं। इसको कहाँ नहीं यूज़ किया जाता है? नॉट सुटेबल है। देखो, नॉट सुटेबल है कहाँ? कवरिंग सरफेस स्ट्रेसेस एंड वीट इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे सुटेबल नहीं होता है ट्रेसेस और वीट के लिए। फील्ड कैपेसिटी देखो 0.30 से 0.4 हेक्टेयर पर ओवर होती है। 8 से गुणा कर दोगे तो ये पर डे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फील्ड कैपेसिटी सबकी अलग से हमने बना रखी है ना टेबल, उसे याद कर लेना। डिस्क, डिस्क मतलब नहीं है सीधे आ जाओ डिस्क एंगल पर। दो तरीके के डिस्क में एंगल होते हैं, टिल्ट एंगल होता है, डिस्क एंगल होता है। डिस्क एंगल क्या होता है? इट इज एंगल एट विच द प्लेन ऑफ द कटिंग ईच ऑफ द डिस्क इंक्लाइन टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल के इंक्लाइंड होता है। डिस्क एंगल जो है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल को बताता है। ठीक है, और इसका एंगल कितना होता है? 42 से 50 डिग्री। यही पूछा जाता है एग्जाम में कि डिस्क एंगल कितना होता है डिस्क प्लाव में, तो 40 से 42 होता है। और ये किसको प्रोवाइड करता है? विड्थ ऑफ कट को। अब यही बात है क्या, ये डायरेक्शन ऑफ किसको बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ये डिस्क एंगल इसका जो है लगभग कितना होता है? ये 45 होता है। डिस्क का एंगल जो है 45 होता है। और ये विड्थ ऑफ कट को दिखाता है। टिल्ट एंगल क्या होता है? कटिंग इच डिस्क इंक्लाइन द वर्टिकल। अब ये क्या बोल रहा है? वर्टिकल प्लेन। ये जो है क्या, डायरेक्शन ट्रेवल मतलब ये हॉरिजॉन्टल को बताता है डिस्क, और जो टिल्ट एंगल है वर्टिकल को बताता है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो कितना रहेगा। तो 15 से 25 होता है ये वाला, और ये डेप्थ ऑफ कट को बताता है। अब डेप्थ जो है वर्टिकल ही होती है, तो डेप्थ ऑफ कट को बताता है। ठीक है, यही पूछा जाएगा एग्जाम में। स्क्रेपर क्या होता है? तो क्या होता है? रिमूव द सॉइल ट्रेंस टू स्टिकी टू वर्किंग ऑफ सरफेस ऑफ डिस्क। इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द डिस्क फ्रॉम द क्लोगिंग। अब स्क्रेपर जो है वो डिस्क को बचाने का काम करता है क्लोगिंग से। स्क्रेपर जो है डिस्क को क्लोगिंग से बचाने का काम करता है। ये डिवाइस होता है डिस्क प्लाव में लगा रहता है जो डिस्क को क्लोगिंग से बचाता है। तो ये क्वेश्चन है, डिस्क को क्लोगिंग से बचाने का काम स्क्रेपर करता है। चीजल प्लाव में एक ही याद रखना है आपको, कितनी डेप्थ तक काम करता है चीजल प्लाव? लगभग 300 से 400 mm, लगभग 60 तक भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। फील्ड कैपेसिटी डिस्क प्लाव चीजल प्लाव की जरूरी नहीं है। सब सोइलर प्लाव की देखो कितने डेप्थ तक ये काम करता है, तो 45 से लगभग 75 सेंटीमीटर डेप्थ में ये काम करता है। बस इतना ही याद रखना है। इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। ये क्या करता है? ब्रेकअप हार्ड लेयर एंड विदाउट ब्रिंगिंग देम दिस सरफेस। ठीक है, ये बिल्कुल हार्ड लेयर हार्ड पैन को क्या करता है? ब्रेक करने का काम करता है। और चीजल क्या करता है? ये क्या करता है? ये भी ब्रेक करता है हार्ड पैन बिफोर डिप्लॉइंग विथ लेस डिस्टर्बेंस ऑफ टॉप लेयर। टॉप लेयर को कम से कम डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन भी इसकी पूछी जा सकती है। सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट में आ जाओ। सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट में क्या है? हेरोइंग। इट इज सेकेंडरी टिलेज ऑपरेशन विच इज पल्वराइज स्मूथ एंड पैक सीड बेड प्रिपरेशन एंड कंट्रोल द वीट। ठीक है, तो ये हेरोइंग जो है ये सेकेंडरी इंप्लीमेंट में आ गया। ये क्या करेगा? सीड बेड को तैयार करना, वीट को कंट्रोल करना, यही काम है। क्योंकि जर्मिनेशन के बाद हम जर्मिनेशन के पहले काम किया जाता है, तो वीट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीड बेड तैयार करने के लिए जब हम क्या करते हैं? फाइनर टिलेज करते हैं, बहुत ही कम लाइटर टिलेज करते हैं, बड़े बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए करते हैं सीड बेड तैयार करने के लिए, तो हेरोइंग यूज़ करते हैं। हेरो क्या होता है? एक इंप्लीमेंट है डेट कट द सोइल सेलो डेप्थ, मतलब कम डेप्थ पर। सीधी सी बात है, हेरो जो है सेकेंड टिलेज इंप्लीमेंट है। हमें लाइटर ऑपरेशन करना है तो कम डेप्थ में ये काम करेगा। ठीक है, पल्वराइज करने का काम करता है, सोइल को बिल्कुल मिक्स करने का, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल में तोड़ने का काम करता है, वीट को कट करता है और सबको मिलाने का काम ये करता है। डिस्क को हैरो होता है। अब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें जो मेजर चीज़ें हैं वो डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पे आपको मेजर चीज़ें डिस्कस करूँगा। सिर्फ क्या? सिर्फ मेजर चीज़ें अब यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, जैसे डिस्क प्लाव। अब डिस्क हैरो की बात करते हो, डिस्क हैरो जो है क्या काम करता है? तो जहाँ पर क्या हो, ग्रासेस हो, डंटल हो और ग्रासेस हो ग्राउंड पर, वहाँ डिस्क हैरो यूज़ करते हैं। ठीक है, लम्स ऑफ सोइल क्लाउड और रूट को कट करने के लिए यूज किया जाता है। फील्ड कैपेसिटी तो ऑलरेडी मैंने अलग से चार्ट में दी हुई है, यहां से भी पढ़ लेना। अब टाइप ऑफ डिस्क में सिंगल एक्शन डिस्क हैरो। सिंगल एक्शन डिस्क हैरो मतलब टू गैंग्स प्लेस एट इंड टू इंड विद द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल रहता है और सिंगल एक्शन वाले मतलब ये वाले इस तरीके से जो है डिस्क होती है। सिंगल क्या बोलते हैं इसको? सिंगल एक्शन वाले। टू गैंग्स
प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द एंगल, ये टू गैंग जो है प्लेस्ड होती है एट द एंड ऑफ द एंगल, ये इस तरीके से दो जो है गैंग इसमें प्लेस्ड होती है सिंगल एक्शन वाले। डबल एक्शन वाले मतलब क्या होगा, अब ये डबल एक्शन वाले हो गए, ये डबल एक्शन वाले, ये दो तरीके से काम करेगा है ना, ये डबल एक्शन वाले हो गए, ये प्लस ये डबल एक्शन वाले हो गए। डबल एक्शन में क्या होता है, फ्रंट गैंग इज अरेंज इन सच ए वे डेट द डिस्क इज फ्रंट गैंग थ्रो द सोइल वन डायरेक्शन, मतलब ये फ्रंट वाली जो है ये एक डायरेक्शन में फेंकेगी आउटवर्ड बाहर की तरफ। डिस्क इज द रेयर गैंग, जो पीछे वाली जो गैंग है ये वाली पीछे वाली जो गैंग है ये सोइल को अपोजिट डायरेक्ट में मतलब आउटवर्ड फेंकेगी, अपोजिट डायरेक्शन फेंकेगी, ये इस तरफ फेंकेगी, ये इस तरफ फेंकेगी, ठीक है याद रखना, ये इस तरफ फेंक रही है, ये इस तरफ फेंक रही है, दोनों बाहर की तरफ फेंकेगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ट्वाइस इन एच ट्रिप, तो मतलब वर्क जो है डबल होता है एक ही बार में एक ट्रिप में। ऑफसेट डिस्क हैरो क्या होता है, ऑफसेट डिस्क जो हैरो होता है वो वन राइट हैंड गैंग होती है उसमें और एक जो है लेफ्ट हैंड गैंग होती है, वन राइट हैंड होती है और एक लेफ्ट हैंड होती है, जो राइट हैंड होती है वो सोइल को राइट में फेंकती है, जो लेफ्ट हैंड होती है वो सोइल को लेफ्ट में फेंक देती है, बस सिंगल सिंगल होती है इसके अंदर। स्पाइक टूथ हैरो जो है स्पाइक बिल्कुल इस तरीके से स्पाइक लगे होते हैं हैरो में, ठीक है। स्पाइक टूथ हैरो इज द टीथ होते हैं उसमें, रिसेंबल लॉन्ग स्पाइक की तरह वो दिखाई देते हैं, स्टीयर ऑफ द सोइल, तो सोइल को बिल्कुल स्टीयर करने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते थे हैं। इसको पैक टूथ हैरो भी कहते हैं, डेक हैरो भी कहते हैं, सेक्शन हैरो भी कहा जाता है और स्मूथिंग हैरो भी कहते हैं, क्लियर है। 5 सेंटीमीटर डेप्थ तक ये क्या करता है, सोइल को मिलाने का स्टीयर करने का काम करता है। ये कल्टिवेशन ऑफ कॉर्न कॉटन अदर रो क्रॉप्स अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ उसमें ये यूज किया जाता है। अब स्प्रिंग टूथ हैरो, स्प्रिंग टूथ हैरो को ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, रफ और स्टोनी ग्राउंड में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। 7 से लेके 7 से लेके 12 इसमें क्या होते हैं, तीत होते हैं, दांत होते हैं, मतलब वही दांते इसमें कितने होते हैं, 7 से लेके 12 होते हैं, रफ और स्टोनी ग्राउंड में यूज किया जाता है। इसको क्वेक ग्रास और बर्मुडा ग्रास इरेडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। और फिर एक में जो हैरो है ये स्पेशल टाइप एनिमल ट्रान हैरो है, ये ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल फ्रेम इसमें लगी हुई होती है। अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, इसको ब्लेड हैरो, कर्बर नाइफ टूथ हैरो और पल्वराइजर भी कहा जाता है, और ये गुड फॉर क्रिएटिंग सोइल मल्च, सोइल को मल्च करने के लिए ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। पटेला जो है ये क्या काम करता है, वुडन प्लांक होता है, यूज फॉर स्मूथिंग द सोइल एंड क्रशिंग द वीट्स, तो पटेला क्या काम करता है, सोइल को स्मूथ करता है, वीट को बिल्कुल क्या करता है, क्रशिंग उसको खत्म करने का काम करता है, आल्सो ब्रेकिंग क्लाउड, क्लाउड को ब्रेक भी करता है, पैकिंग भी करता है, लेवल भी करने का ये काम करता है, वीट को रिमूव करने का काम भी करता है। तो इतना पूछा नहीं जाएगा, बस इतना ही पूछा जाता है कि पटेला क्या है, सेकेंडरी इंप्लीमेंट है। ट्रायंगुलर हैरो ये भी सेकेंडरी इंप्लीमेंट है, इसे ही पूछेगा। ब्लेड, ब्लेड हैरो या इसको ब्लेड हैरो को और क्या कहा जाता है, बकर भी कहा जाता है और घंटका भी कहा जाता है, बकर भी कहा जाता है और घंटका भी कहा जाता है। एनिमल ट्रान होता है ये, ठीक है। सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, क्ले सोइल और सोइल मल्च फॉर द सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए। तो जो बकर होती है या जो हमारा पटेला होता है, या सॉरी बकर होती है जिसको हम ब्लेड हैरो भी बोलते हैं और घंटका भी बोलते हैं, ये क्ले सोइल में या सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक ऐसी लंबी जो है इस तरीके की ये ब्लेड लगी हुई रहती है ये, ठीक है। पावर हैरो टेक्टोरविंट कोई मतलब नहीं है, छोड़ देना इसको भी। अब आ जाओ रोटरी टिलर पे। अब रोटरी टिलर क्या करता है, फाइन डिग्री ऑफ सोइल पर्वराइजेशन। रोटरी टिलर जो है रोटा टिलर, या इसको रोटरी टिलर को रोटावेटर भी बोलते हैं। रोटावेटर क्या करता है, बिल्कुल जो है सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सोइल के क्लाउड होते हैं, उनको बिल्कुल फाइन पार्टिकल के अंदर तोड़ देता है, बिल्कुल रफ मतलब जो है सीड बेड बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, रफ नहीं बिल्कुल स्मूथ कर देता है सीड बेड को, छोटे छोटे पार्टिकल में पॉइंट कर देता है, मतलब कटिंग करेगा, मिक्सिंग करेगा स्टेबल को, रूट्स को मिक्सिंग विद सोइल के साथ मिला देगा, लेवलिंग ऑफ द फील्ड को लेवल भी कर देगा, ठीक है। अल्सो कॉल्ड इसको रोटरी रोटावेटर भी कहा जाता है, ऑपरेट 180 से 200 आरपीएम पे ऑपरेट होता है, फील्ड कैपेसिटी 3 से 4 हेक्टेयर पर डे काम करता है। अलग अलग टाइप की ब्लेड होती है इसमें, एल टाइप ब्लेड होती है, ट्विस्टेड ब्लेड होती है और स्टेट ब्लेड होती है, ठीक है। एल टाइप ब्लेड आपने देखी होगी ना, इस तरह की ब्लेड इसके अंदर होती है, ऐसे करने का काम करता है, साथ में जो है कटिंग भी करता रहता है। लेवलर, अब सोइल स्कूप, सोइल स्कूप मतलब जो लेवलर होता है सोइल को लेवल करने का, मतलब कि जो हमारी फील्ड मान लो उबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो उसको लेवल करने के लिए एक लेवलर आता है, इसको सोइल स्कूप बोलते हैं। सोइल स्कूप एक्सकेवेटिंग डिचेस, अब जो गड्ढे होते हैं उनको भरने का काम करता है, ठीक है। ड्रेन को क्लीन करता है, डूइंग कट एंड फील्ड जॉब्स इन द हैंड लेवलिंग, तो लैंड लेवलिंग के लिए क्या होता है, सोइल स्कूप होता है। सोइल स्कूप आपने देखा होगा ना रोड पे, रोड को जब लेवल करना रहता है, जब मिट्टी डाली जाती है, तो जब उसको क्या, आपने मेसी ट्रैक्टर हम जनरली देखे होंगे, तो वो उससे लेवल करने का काम किया जाता है।
ठीक है, इसमें ट्रोड ब्लेड हीचिंग लूप और हैंडल उसके अंदर होता है। ठीक है, एक ब्लेड की बात हुई है, ब्लेड का जो एंगल है वो 12 से 15 डिग्री एंगल इसका रखा जाता है। सोइल ट्रोड होता है, हीचिंग होता है और हैंडल होता है, ये पार्ट है किसके, सोइल स्कोप के। सेकेंड इटिल इज इंप्लीमेंट फॉर राइस कल्टिवेशन। अब राइस कल्टिवेशन में देखो, एक तो केज व्हील यूज होता है और एक पडलर यूज होता है। केज व्हील क्या होता है, जैसे पडलिंग हम करते हैं, दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। जैसे पडलर है, पडलर हम यूज करते हैं, तो पडलर में हम ये जो हमारा व्हील होता है, तो व्हील से एक और जो ट्रैक्टर का जो व्हील होता है उससे एक और व्हील, जिसमें क्या होते हैं इस तरीके से ये जाली बनी हुई रहती है लोहे की, है ना। तो मान लो अगर हमारा ट्रैक्टर का व्हील पडलिंग करते समय ट्रैक्टर का व्हील हमारा मान लो स्लिप हो रहा है कीचड़ के अंदर या फंस गया है, तो उस फंसने से बचाने के लिए एक और साइड में ट्रैक्टर के व्हील के साथ एक और व्हील ऐसा लगा दिया जाता है लोहे का, वो उसको फंसने नहीं देता है, इजीली हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, पडलिंग में बहुत हेल्प करता है। तो ये याद रखना कि उसको केज व्हील बोला जाता है। और पडलर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पडलिंग क्या काम करता है, कैसे काम करता है फैटी फील्ड के अंदर। ड्राफ्ट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द पुल पैरेलल टू द लाइन मोशन। ठीक है, इसको ड्राफ्ट कहा जाता है, मतलब विड्थ गुणित ड्राफ्ट, जो विड्थ है, विड्थ है और जो ड्राफ्ट है जितना मतलब वो काम कर रहा है, उठा रहा है, और नीचे हम मीटर में इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल ड्राफ्ट आ जाएगा। क्वेश्चन महान यहाँ से पूछा जाता है, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट कितनी होती है वेरियस इंप्लीमेंट की। ठीक है, तो हमें निकाल के नहीं देखना है, हमें जस्ट बताना है कि डिस्क प्लाव की सबसे ज़्यादा होती है 5 से 6, डिस्क प्लाव की जो ड्रॉट होता है वो सबसे ज़्यादा होती है 5 से 6 होती है। सीजल की देखो 4.5 से 5.5 होती है। ब्लेड हैरो और स्क्रीफर जो होता है उसकी 4 से 4.5, कल्टीवेटर की 3 से 3.5 और प्लांटर की 2.5 से 3.5 होती है। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये IMP है। ठीक है, इसको याद रखना। इंटरकल्चरल ऑपरेशन के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन में पहला आता है हैंड हो। हैंड हो में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे खुरपी हो गया आपका, फावड़ा हो गया आपका। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, हैंड हो में आते हैं। ठीक है, तो 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर ये लॉन्ग, इसमें हैंडल होता है, छोटा ही होता है। ऑपरेटर यूजेस द टूल्स इन बेंडिंग पोस्चर। बेंडिंग पोस्चर मतलब कि बंदा ऐसे झुक के, बेंडिंग पोस्चर का मतलब क्या है कि जैसे मैं हूँ, मैं एक वर्कर हूँ या ऑपरेटर हूँ, उस टूल्स को काम करना है, मुझे खेत में काम करना है, खुरपी है, पावड़ा है, तो मैं ऐसे झुक के बेंडिंग पोस्चर में काम करूँगा। ठीक है, वो वाली बात है। 5 से 7% ही फील्ड को कवर कर पाता है दिन में, क्यों, क्योंकि वो छोटा इंप्लीमेंट है, धीरे 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 काम करेगा। फ्यू इंपॉर्टेंट हैंड टूल जैसे खुरपा हो गया, स्पेट या कुदाली हो गया। तो स्पेट कुदाली से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हमें सीड बेड तैयार करना है तो कौन सा इंप्लीमेंट यूज किया जाता है, तो उसमें स्पेड ऑप्शन में था। तो सीड बेड तैयार करने के लिए भी हम पावड़े का यूज करते हैं, कुदाली का यूज करते हैं, स्पेड का यूज करते हैं, तो ये भी है, और इंटरकल्चर ऑपरेशन में भी करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हो कम रेक। हो कम रेक का मतलब है कि जैसे ये पावड़ा है आपका, ठीक है, ये पावड़ा है, इसके ऊपर ही क्या होती है, ऐसे एक रेक होती है। ठीक है, रेक होती है, ये हो कम रेक कहलाता है। तो ये मल्टीपर्पज हैंड टूल्स हो जाता है, मल्टीपर्पज काम करेगा। ठीक है, देखो फ्लैट ब्लेड इसमें लगी होती है एक साइड पर, और एक साइड पे जो है क्या, इसमें जिसको हम पावड़ा कह देते हैं, और एक साइड में प्रो लॉन्ग आइदर अदर साइड, ये इस तरीके से टीन्स निकले होते हैं। तो फ्लैट ब्लेड का क्या काम है, डिगिंग का, ये खोदने का काम करेगा फावड़ा। ठीक है, रेक साइड जो है वीडिंग, और ये जो है वीड को निकालने का काम करेगा। ठीक है, वीड को कलेक्ट करने का काम करेगा, जो ट्रेसेस है उनको कलेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, मान लो ये आपका वीड है, तो ये पावड़ा इस वीड को खोदेगा, और ये क्या करेगा, इसको जैसे बहुत सारे वीड है तो इनको एक साथ ऐसे इकट्ठा करने का काम करेगा। तो ये मल्टीपर्पज हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टार टाइप। अब ये हमारा स्टार टाइप जो होता है ना, स्टार टाइप जो आप देख रहे हो ये, अब स्टार टाइप जो है वीडर होता है। स्टार टाइप वीडर जो है ड्राई लैंड में सूटेबल है वीडिंग के लिए। ठीक है, अब 10 से 15% जो मॉइस्चर अगर है, मतलब ये कहाँ यूज़ होगा, गार्डन लैंड में, और कितना 10 से 15% मॉइस्चर है वहाँ पर ये यूज़ होता है। लोमी सॉइल में ये स्टार व्हील इज डिज़ाइन फॉर लोमी सॉइल। ये ध्यान रखना कि स्टार टाइप जो वीडर होता है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है लोमी सॉइल के लिए। यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लोमी सॉइल के लिए डिज़ाइन किया गया है स्टार्टअप वीडर। वैसे तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि स्टार टाइप वीडर जो है वो कौन सा इंप्लीमेंट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी है आप बोल सकते हो, और लोमी सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। फील्ड कैपेसिटी इसकी कितनी है, तो फील्ड कैपेसिटी देख लो 0.05 हेक्टेयर पर डे है। फिर आता है पेग टाइप। पेग मतलब ये टाइप का होता है, पेग बने हुए होते हैं ऐसे। तो ये जो है ये भी ड्राई लैंड में सूटेबल है, गार्डन लैंड में सूटेबल है, मॉइस्चर वही 10 से 15%। लेकिन ये जो है पेग जो है वेल्डेड होते हैं, पेरीफेरी ऑन दी व्हील हैंच एंड नेम पेग टाइप वीडर।
अब जो है पेरीफेरी जो होती है, ये जो होता है इसमें जो है पेक जो है वेल्डेड होते हैं यहाँ पे, ये काम करता है। पेक टाइप वेल्स जो है ये क्ले सोइल के लिए ध्यान रखना। स्टार टाइप वीडर जो है वो लोमी सोइल में यूज होता है, पेक टाइप वीडर जो है वो क्ले सोइल में यूज होता है, बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम है। क्या स्टार टाइप वीडर में और जो पेक टाइप वीडर है सारी चीज़ें सेम है, बस वो लोम में यूज होता है या क्ले में यूज होता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हील हो। व्हील हो सबसे बेस्ट माना जाता है वीडिंग के लिए। याद रखना है विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज द बेस्ट फॉर वीडिंग पर्पज। तो व्हील हो सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि उसमें लेंथ, एक तो लंबा हैंडल होता है, फिर क्या होता है उसमें ये लगा रहता है और साथ में व्हील होता है। तो व्हील क्या होता है, व्हील को चलाना आसान होता है। बंदा एक यहाँ से क्या करेगा, इसको पुश करेगा, तो व्हील के थ्रू उसको चलाना आसान होता है, ऑपरेट करना आसान होता है। जो ऑपरेटर होता है उसको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इज वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, वीडिंग टूल्स फॉर वीडिंग एंड इंटरकल्चरल ऑपरेशन इन रो कैन बी यूज फॉर डिफरेंट वर्क, नेमली वीडिंग के लिए, सोयल मल्चिंग के लिए, स्टेयरिंग के लिए यूज करते हैं। फील्ड कैपेसिटी तो सबकी सेम है, वीडर जितने भी है फील्ड कैपेसिटी सेम है, लेकिन सबसे बेस्ट व्हील हो ही है। ठीक है, व्हील हो पेग हो जो है रेडियस कितनी होती है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना इसको भी। अब आ जाओ कल्टीवेटर पे। इट इज एन इंप्लीमेंट फॉर इंटर कल्टीवेशन। अब कल्टीवेटर जो है इंटर कल्टीवेशन के लिए विथ लेटरल एडजस्टेबल टाइंस होते हैं, इसमें डिस्क होते हैं टू वर्क बिटवीन दी क्रो रोप। तो क्रो रोप के बीच में, जैसे है ना खड़ी क्रोप है हमारी और रो के बीच में, अगर हमें क्या करना है इंटर कल्टीवेशन करना है तो हम कल्टीवेटर का यूज करते हैं। ये सीड बेड प्रिपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एंड फॉर सोइंग विथ सीडिंग अटैचमेंट। सीडिंग अटैचमेंट है, मान लो अगर हमने सीडिंग अटैचमेंट लगा दिया तो सोइंग के भी काम आ जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कल्टीवेटर। तो मतलब कल्टीवेटर का मेन पॉइंट ये IMP है कि कल्टीवेटर का जो मेन फंक्शन, मेन काम क्या है, वीड को खत्म करना, वीड को डिस्ट्रक्ट करना। और कल्टीवेटर कैन बी डिस्क कल्टीवेटर भी होता है, रोटरी कल्टीवेटर भी होता है, टाइन कल्टीवेटर भी होता है। क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेना, तीन टाइप का होता है। ठीक है, ट्रैक्टर ड्रॉन में ट्रेलेट टाइप का होता है, माउंटेड टाइप का होता है। ठीक है, ट्रेलेट टाइप का मतलब ट्रॉली जिसको हम बोलते हैं, और माउंटेड टाइप का मतलब पीछे जो लगाकर जो ट्रैक्टर यूज करते हैं उसमें। एनिमल ड्रॉन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनिमल ड्रॉन में आपको याद रखना है, एनिमल ड्रॉन में जो होता है स्वीप कल्टीवेटर, स्वीप कल्टीवेटर जो है एनिमल ड्रॉन है। तो स्वीप नाम अगर दे दिया तो स्वीप क्या है, तो स्वीप क्या है, कल्टीवेटर है। ठीक है, इंटरकल्चरल इम्प्लीमेंट है ये, सेलो रूटेड वीट को ये निकाल देता है क्रॉप रो से। ठीक है, वी शेप्ड की ब्लेड इसके अंदर लगी हुई रहती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्वेप कहा जाता है। स्किमिंग एक्शन अंडर द सोइल, सेलो डेप्थ 2 से 3 सेंटीमीटर में स्किमिंग एक्शन इसके अंदर होता है। स्वीट ब्लेड जो है कट दी वीट, और स्वीट ब्लेड जो होती है वो क्या करता है, वीट को कट कर देता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। फील्ड कैपेसिटी इसकी 1.75 से 2.5 हेक्टेयर पर डे होती है, बस ये याद रखना है। और कहाँ ये सुटेबल होता है, तो सुटेबल फॉर ऑल रो क्रॉप एंड सोइल, प्रोवाइड सोइल मल्च एंड कंजर्वेशन सोइल मॉइस्चर, वहां ये सुटेबल होता है। चलो दूसरा कौन सा था, दूसरा था हमारा जूनियर हो। जूनियर हो भी क्या है, कल्टीवेटर ही है। ठीक है, वीडिंग बिटवीन रो एंड स्टैंडिंग क्रॉप वही सेम चीज है, बस फील्ड कैपेसिटी याद रख लेना इसकी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू स्वीप कल्टीवेटर। फिर डक फुट कल्टीवेटर भी होता है, डक फुट कल्टीवेटर सेलो प्लोइंग का भी काम करता है और वीट को डिस्ट्रक्ट करने का भी काम करता है, सोइल मॉइस्चर को मेंटेन रखने का काम करता है। इंजन टाइप में बस कुछ नहीं याद रखना, इंजन टाइप में जो है सारा काम कर लेगा, बस फील्ड कैपेसिटी उसकी याद रख लेना। ठीक है, कौन कौन सी क्रॉप में यूज होता है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंजन टाइप वाला। रोटरी टिलर भी इंजन टाइप वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ सोइंग इक्विपमेंट पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, सोइंग इक्विपमेंट की। सोइंग इक्विपमेंट की बात करते हैं तो सोइंग इक्विपमेंट सबसे पहले आप देखिए सीड ड्रिल। देखो सीड ड्रिल सब लोग जानते हैं, अगर सब फार्मर बैकग्राउंड से है तो सीड ड्रिल क्या होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें बॉक्स होता है ना, बॉक्स के बाद उसमें इस तरीके से नीचे फिर टाइम्स निकले हुए होते हैं और यहाँ से ट्यूब्स आती है नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ आगे एक व्हील लगा होता है, कौन सा, स्टार वाला, वो व्हील आगे चलता रहता है, उसी के बेसिस पे वो जो है दाने सीड ड्रिल में से नीचे गिरते रहते हैं। तो सीड क्या होता है, एक मशीन यूज फॉर प्लेसिंग द सीड इन कंटिन्यूअस स्ट्रीम इन फरो एट यूनिफॉर्म रेट एट द कंट्रोल्ड डेप्थ विथ द अरेंजमेंट ऑफ कवरिंग द सीड विथ सोइल। मतलब सीड ड्रिल जो है सोइंग का काम करता है, मतलब सीड को ड्रॉप करने का भी काम करता है, मतलब पहले सोइल को ओपन करेगा सीड ड्रिल, फिर उसमें सीड को प्लेस करेगा, उसके बाद सोइल को वापस कवर कर देता है, तो उसको हमने क्या बोला, सीड ड्रिल।
अब सीट कम फर्टिटिल क्या होता है? अब सीट कम फर्टिटिल का मतलब हो गया कि वो सीट ड्रिल मतलब सीट की सोइंग के साथ साथ फर्टिलाइजर भी साथ में देने का काम करेगा। तो सीट ड्रिल फिटेड विथ फर्टिलाइजर ड्रॉपिंग अटैचमेंट, सीट जो है ड्रॉपिंग के साथ साथ फर्टिलाइजर का भी अटैचमेंट होता है, उसमें मतलब दो बॉक्स होते हैं, ठीक है? एक बॉक्स होता है सीट का और एक बॉक्स होता है क्या, एक बॉक्स होता है सीट का और एक बॉक्स होता है फर्टिलाइजर का। तो दोनों चीज़ें जो है उसमें साथ में सोयल के साथ जाएगी, सोयल में जाएगी, सीट भी प्लेस होगा साथ में फर्टिलाइजर भी प्लेस होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, एक चीज़ क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर आप सीट से सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हो या सीड और फर्टिलाइजर साथ में दे रहे हो, तो सीड और फर्टिलाइजर दोनों को एक ही डेप्थ पर देना चाहिए या सीड ऊपर और फर्टिलाइजर नीचे देना चाहिए सीट के? मान लो आपके सीट की जो डेप्थ है 3 से 5 सेंटीमीटर, आपने सीट प्लेस किया डेप्थ में 3 से 5 सेंटीमीटर, ये सोइल है, यहाँ पे आपने डाला सीट, तो फर्टिलाइजर भी क्या आप फर्टिलाइजर भी यहीं पे डालोगे, फर्टिलाइजर भी यहीं पे आना चाहिए या फर्टिलाइजर जो है इसके नीचे आना चाहिए? तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फर्टिलाइजर जो है सीट से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है, सीट हमेशा सोइल सीट के फर्टिलाइजर हमेशा सीट के नीचे प्लेस किया जाता है, ऐसा क्यों? क्यों भैया? देखो ये आपने सीट दिया, ये आपने फर्टिलाइजर दिया, तो फर्टिलाइजर तो यहीं रहेगा, सीट का क्या होगा, यहाँ पे जर्मिनेशन होगा तो रूट नीचे की तरफ आएगी, जब रूट नीचे की तरफ आएगी तो रूट को फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर देना किसको है, रूट को ही देना है, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा। अगर सीट नीचे की तरफ प्लेस होता है तो यहाँ से रूट आएगी और रूट को क्या मिलेगा, फर्टिलाइजर मिल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि फर्टिलाइजर जो है सीट के नीचे ही दिया जाना चाहिए, ठीक है? ये सीट कम फर्टिडीजल हो गई, फर्टिडीजल दोनों का जो ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो 25 mm का होना चाहिए, सीट और अपना फर्टिडीजल दोनों के जो ट्यूब्स होती है उनका डायमीटर 25 mm होना चाहिए। सीट मेटरिंग मैकेनिज्म, बस यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सीट मेटरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो सीट मेटरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म विच पिक अप द सीट फ्रॉम द सीट बॉक्स, जो सीट बॉक्स होता है उससे सीट को पिकअप करने का जो काम है, ठीक है? जो सीट ड्रिल के अंदर सीट का जो बॉक्स होता है नीचे ऐसे राउंड राउंड एक रोड लगी होती है, वहां से सीट जब वो रोड घूमती है तो सीट नीचे की तरफ ट्यूब में आता है, उसी को सीट मेटरिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है? अभी तो ये हमारा थोड़ा फास्टेक लेक्चर है, नहीं तो मैं आपको सीट ड्रिल दिखाता और सीट मेटरिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये भी बताता, तो फिर कभी बताएंगे, है ना? जब शॉर्ट में भी हम जब क्लासेस देंगे आपको उसमें बताएंगे। तो सीट बॉक्स से सीट को पिकअप करके ट्यूब के डिलीवर करना, देखो डिलीवर दे मतलब किसको, कहाँ डिलीवर करना, सीट ट्यूब को, इसको सीट मेटरिंग मैकेनिज्म कहते हैं। मतलब ये हमारी जो सीट बॉक्स होता है, सीट बॉक्स में इस तरीके से वहाँ पे ऐसी रोड रोड लगी होती है जहाँ पर ऐसे खांचे बने हुए रहते हैं, जहाँ पर जो सीट इसके अंदर आता है ये घूमता है, सीट नीचे की तरफ ऐसी ट्यूब लगी होती है, फनल, इस फनल में से इस ट्यूब में से कहाँ जाता है, नीचे की तरफ आता है, ठीक है? इसको बोलते हैं सीट मेट्रिक मैकेनिज्म। सीट मेट्रिक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स, अब सीधी सी बोला ना, ये मैंने बोला बॉक्स और बॉक्स के नीचे लगा हुआ रहता है बॉटम ऑफ द बॉक्स। सीट मेट्रिक्स में भी सेवरल टाइप्स, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, देखो फ्लूट फिट टाइप होता है ना, जो स्क्योर शाफ्ट उसमें लगी हुई रहती है, ठीक है? स्क्योर शाफ्ट उसमें लगी होती है, राउंड वाली भी होती है, स्क्योर वाली भी होती है। इंटरनल डबल रन टाइप होता है, कप टाइप होता है, सेल टाइप होता है, ये सारे टाइप्स दिए हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि सेल टाइप जो है ये क्या है, तो ये सीट मेटरिंग मैकेनिज्म है, ठीक है? तो ये सारे सीट मेटरिंग मैकेनिज्म है। ब्रस्ट फेट टाइप होता है, अगर फिट टाइप होता है, पिकर व्हील टाइप होता है, स्टर व्हील टाइप होता है। अब बताइए फरो ओपनर, वन ऑफ दीज आर द पार्ट विच ओपन अप फरो इन द सोइल फॉर प्लेसिंग द सीट। अब सीड ड्रिल में क्या होते हैं, नीचे फरो लगे होते हैं, ठीक है? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? यहाँ पे ये ट्यूब्स लगी हुई होती है, ये ट्यूब्स जहाँ से सीट नीचे ड्रॉप होता है, यहाँ से सीट नीचे ड्रॉप होता है, और ये जो है क्या होता है, ये फरो होते हैं, फरो ओपनर होते हैं। फरो ओपनर होते हैं मतलब ये सोइल में यहाँ क्या करेंगे, फरो बनाएंगे, सोइल को ओपन करने का काम करते हैं। तो फो टाइप होता है, शू टाइप होता है, ट्यूब रनर टाइप होता है, फुल आर कवर्ड रनर टाइप होता है, सिंगल डिस्क टाइप होता है, डबल डिस्क टाइप होता है, और सेवल टाइप होता है। वो ये इसके टाइप है, बस याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांटर क्या है, प्लांटर भी क्या करता है, सोइंग इक्विपमेंट यूज फॉर सोइंग दो सीट विच आर लार्जर इन साइज, ठीक है? कैन नॉट बी हैंडल बाई सीट ड्रिल, ठीक है? कुछ ऐसे सीट बीच होते हैं, ऐसे सीट होते हैं जो काफी बड़े होते हैं, जिनको सीट ड्रिल से नहीं बोया जा सकता, उसके लिए प्लांटर यूज करते हैं।
जैसे हम बात करें पोटेटो, तो पोटेटो के लिए क्या हो सकता है, जैसे पोटेटो हो गया, मेज प्लांटर हो गया, कॉटन प्लांटर हो गया, ये पॉपुलर है। तो जो जिनकी साइज बड़ी होती है उनके लिए प्लांटर यूज करते हैं। पोटेटो प्लांटर, ऑटोमेटिक सीड ड्रॉपिंग, ये देख लो, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कैन आल्सो बी प्लांट सिमल्टेनियसली। तो जो पोटेटो प्लांटर है, जो ऑटोमेटिक पोटेटो प्लांटर है, उसमें सीड और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ये भी आप साथ में दे सकते हो, ठीक है। 2 से 4 रो में काम कर सकता है। कैपेसिटी देखो, 6,000 से 14,000 पोटेटो 1 घंटे के अंदर कर सकता है, या फिर 0.20 से 0.40 हेक्टर पर हवर इसकी कैपेसिटी है। ट्यूब डिस्टेंस, ट्यूबर डिस्टेंस, मतलब एक ट्यूबर से दूसरे ट्यूबर का जो डिस्टेंस होता है, क्योंकि पोटेटो हम ट्यूबर ही देते हैं, तो 20 से 40 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 20 से 40 और एमएम में 200 से 400। रो स्पेसिंग 60 सेंटीमीटर, डेप्थ उसकी 10 से 20 सेंटीमीटर रख सकते हो। लेबर सेविंग होती है 50 से 60%, ऑपरेटिंग टाइम सेविंग होती है 80 से 85%, और पैसा बचता है 50 से 60% अगर प्लांटर आप यूज करते हो, ठीक है। फिर मैन्युअल राइस प्लांटर है, मैन्युअल मतलब मैन्युअल राइस प्लांटर। मशीन कंसिस्ट ऑफ सीडलिंग ट्रे, इसमें क्या होता है, जैसे आपने अक्सर टीवी वगैरह में, यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, राइस प्लांटर होता है उसमें एक सीडलिंग ट्रे होती है, जहाँ पर राइस की सीडलिंग ऐसे रख दी जाती है। 6 नंबर ऑफ फोर्क होते हैं, मतलब जैसे ट्रैक्टर चलता है ना, पीछे इस तरीका का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये सीडलिंग ट्रे, यहाँ पे जो है राइस की जो सीडलिंग ऐसी रख दी जाती है, ठीक है, हैंडल एंड स्टिक। तो रो टू रो स्पेसिंग उसमें 20 सेंटीमीटर रखते हैं, और कितना कवर कर लेता है, लगभग 0.25 हेक्टेयर पर डे ये कवर करता है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम नीचे, नेक्स्ट, सेल्फ प्रोपेल्ड पीडी ट्रांसप्लांटर। सेल्फ प्रोपेल्ड पीडी ट्रांसप्लांटर मतलब कि वहां तो मैनुअल था, अब सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब कि ट्रैक्टर वगैरह से या पावर ट्रिलर वगैरह से आप यूज कर सकते हो। तो ये मशीन है, रो स्पेसिंग लगभग 28 से 30 सेंटीमीटर इसके अंदर रखी जाती है, कितनी, 28 से 30 सेंटीमीटर इसमें स्पेसिंग, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग 14 से 16 सेंटीमीटर, क्लियर है। रो टू रो 28 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं, और प्लांट टू प्लांट 14 से 16 सेंटीमीटर। प्लांटिंग कैपेसिटी मशीन की देखो इतनी होती है पर हेक्टेयर, 1 घंटे के अंदर 0.05 से लेकर 0.1 हेक्टेयर इसकी कैपेसिटी होती है। इसमें जो है पेट्रोल इंजन यूज किया जाता है, 1.2 से 1.8 हॉर्स पावर का इंजन इसमें यूज किया जाता है। टाइम सेविंग करता है, मनी सेविंग करता है, मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग से जो मैनुअल है उससे टाइम और पैसा दोनों सेविंग यहाँ पे होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना। राइस सीडर होता है, सीडर डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ड्रम एंड नॉर्मली 50 से 60 kg पर हेक्टेयर, ये kg है। अगर आप राइस सीडर यूज कर रहे हो तो उसमें जो है जितने आरपीएम होते हैं ड्रम के, उसके अकॉर्डिंग सीड रेट लगती है, तो लगभग 50 से 70 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लगती है राइस सीडर के अंदर। वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी पे हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। मॉडिफाइड मेट नर्सरी फॉर द मशीन प्लांटिंग, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 100 सेंटीमीटर ये याद रख लेना यहाँ पे, कि जो मॉडिफाइड मेट नर्सरी है, एस्टैब्लिश सीडलिंग लेयर ऑफ सोइल मिक्स अरेंज ऑन दी फर्म सरफेस, सीडलिंग आर रेडी, लगभग 15 से 20 दिन में सीडलिंग तैयार हो जाती है, और 1 हेक्टेयर सीडलिंग तैयार करने के लिए 100 m² एरिया रिक्वायर्ड होता है। तो मेट नर्सरी में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मेट नर्सरी में नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो 15 से 20 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी, और 1 हेक्टेयर के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है नर्सरी के लिए, तो 100 m² एरिया रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, बस इतना ही इसमें आपको पूछा जाएगा। और ये हम एग्रोनॉमी में भी पढ़ लेते हैं मेट नर्सरी वगैरह। एक होता है मेला बांसो, मेला बांसो मतलब सीड ड्रॉइंग बिहाइंड द प्लाव, प्लाव के बिहाइंड जो सीड जो फनल होती है, जिसको हम केरा पोरा भी जनरली हमने पढ़ा है, फनल टाइप का जो माउथ होता है, बंबू लगा रहता है, फनल टाइप माउथ होता है, उसमें जब हम सीड डालते हैं तो वो जो इंप्लीमेंट क्या कहलाता है, मेला बांसो कहलाता है, या सीड ड्रॉपिंग बिहाइंड द प्लाव। प्लाव के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, फनल टाइप होता है, उसमें माउथ होती है, मतलब ये फनल टाइप होता है इस तरीके से, उसमें ये होता है, यहाँ से जो है सीड ड्रॉप करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मेला बांसो कहते हैं, ठीक है, एनिमल ऑपरेटेड होता है। अब यहाँ पे देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अब ये है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रैक्टर की लाइफ कितनी है, तो मैं बता दूँ आपको, ट्रैक्टर हो गया, स्टेशनरी इंजन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया, कैन क्रशर हो गया, पावर कैन क्रशर तक, ठीक है, ये 4 ट्रैक्टर हो गया, स्टेशनरी इंजन, सेंट्रीफ्यूगल पंप और कैन क्रशर, इनकी जो लाइफ है 10 साल होती है और 10,000 घंटे। ट्रैक्टर, स्टेशनरी इंजन, सेंट्रीफ्यूगल पंप और कैन क्रशर, 10 साल 10,000 घंटे। मैंने इनको इसी तरीके से यहाँ पे टेबल में अरेंज किया है, एक साथ आप याद कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, स्टेशनरी इंजन हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप और कैनक्रशर, 10 साल 10,000 घंटे। फिर आ जाओ पावर ट्रिलर, पावर ट्रिलर आपका 10 साल तो है लेकिन घंटे में सिर्फ 8,000 है, ठीक है, पावर ट्रिलर की लाइफ 10 साल तो है लेकिन 8,000 घंटे। इलेक्ट्रिक मोटर जो है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसकी जो लाइफ है 15 साल 15,000 घंटे। कंबाइंड सेल्फ प्रोपेल्ड टाइप का अगर है तो 6 साल 3,000 घंटे, और यहाँ पे इसकी देखो क्या दी है, यहाँ पे इसकी दी हुई है
एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए और एवरेज फील्ड कैपेसिटी परसेंटेज में दी हुई है, ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ लेना, है ना। कंबाइंड माउंटेड एंड ड्रॉन वाला है तो 7 साल 2000 घंटे, 2 से 3 इसकी एवरेज स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, और 70 इसकी एफिशिएंसी है। सीट कंफर्टेबल 8 साल और 2000 घंटे इसकी लाइफ है, 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और 70 इसकी एफिशिएंसी है। इस तरीके से ये पूरी टेबल यहाँ पे अरेंज की हुई है। सिल्ड्रिल की देख लेना, सबकी रोटावेटर की देख लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है, पावर स्प्रेयर की देख लेना, है ना, सबका यहाँ पे हमने डिस्क प्लाव की, डिस्क हैरो की, कल्टीवेटर की, ट्रेलर की, सीट क्लीनर की, रीजर की, सबकी यहाँ पे लाइफ दी हुई है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जनरली ट्रैक्टर और पावर ट्रेलर का अक्सर पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कैपेसिटी और बैरेज इंप्लीमेंट, अलग अलग इंप्लीमेंट की यहाँ पे कैपेसिटी भी दी हुई है, हमने पढ़ा भी सही है कि मेल बोल प्लाव की कितनी होती है, हवर पर हेक्टेयर पर हवर में दी है, 8 से यहाँ पे गुणा कर दोगे आप तो ये पर डे में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, पर डे में कन्वर्ट हो जाएगी अगर 8 घंटे से गुणा कर दोगे तो। सारे इंप्लीमेंट की यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी दी हुई है, सबको आप पढ़ना है, जैसे इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एमबी प्लाव, डिस्क प्लाव, कल्टीवेटर, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनकी देख लेना, स्टार वीडर, तो ये जो है मेन मेन है, इनकी अच्छे से पढ़ लेना, बाकी सारी आप पढ़ लेना, ये पूरी टेबल आपको इसी में मिल जाएगी। एनिमल ड्रान कौन कौन से हैं ये देख लेना, मल्टीपर्पज होकी कितनी होती है, एमबी प्लाव, एनिमल ड्रान एमबी प्लाव की कितनी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सेल प्रोपेल टाइप की क्या है, ठीक है, अब स्प्रे एंड डस्टर, स्प्रे एंड डस्टर की अगर मैं बात करूँ तो स्प्रे एंड डस्टर को हम यहाँ डिस्कस ना भी करें तो चलेगा, ये एंटोमोलॉजी में डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ पे, एंटोमोलॉजी के अंदर स्प्रे एंड डस्टर को डिस्कस करेंगे, ये आपको यहाँ पे पीडीएफ जरूर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्प्रे डस्टर डिस्कस नहीं करेंगे, एंटोमोलॉजी के अंदर इनको डिस्कस किया गया है, वहीं पर डिस्कस इनको कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ इनको डिस्कस, यहाँ पर नोट्स है आपके पास, इसको पढ़ लेना, ठीक है, स्प्रे एंड डस्टर को। अब हम सीधे आते हैं यहाँ पर, सीधे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा हार्वेस्टिंग टूल्स और इक्विपमेंट। तो देखो हार्वेस्टिंग क्या है, हार्वेस्टिंग मतलब कि जब हमारी क्रॉप है वो पकने पर आ जाती है, मेच्योर हो जाती है, तो हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, और हार्वेस्ट करने के लिए भी क्या होता है, प्रॉपर मॉइस्चर होना चाहिए, है ना। जैसे राइस की क्रॉप को हार्वेस्ट करना है तो 23% मॉइस्चर होना चाहिए, वीट को हार्वेस्ट करना है तो कितना मॉइस्चर होना चाहिए, 25 से 30% मॉइस्चर होना चाहिए, इस तरीके से मॉइस्चर। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग कुछ टूल्स हैं, जैसे सिकल, सिकल मतलब हसिया जो इस टाइप का होता है, है ना, चारा काटने के लिए, जिसमें जो पर्सन होता है ऑपरेटर उसको बेंड होके काटना पड़ता है, तो ये पेडी, रागी और सोरगम टाइप की जो क्रॉप होती है उनको काटने के लिए सिकल का यूज़ किया जाता है। मोवर होता है, मोवर भी एक मशीन है जो क्या करती है, कटिंग का काम करती है, ये भी एक मशीन है जो क्या काम करती है, कटिंग करने का काम करती है। मोवर कई टाइप के होते हैं, देखो सिलेंडर मोवर होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है, हॉरिजॉन्टल रोटरी मोवर होता है, गेंग मोवर होता है, फ्लैट मोवर होता है, तो ये कई प्रकार के मोवर भी हैं। तो यहाँ पर जस्ट आपको डेफिनेशन पूछी जाती है कि भाई ये डेफिनेशन ही इतना पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हार्वेस्टिंग टूल्स है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेल प्रोपेल टाइप पेडी हार्वेस्टर, जिसकी फील्ड कैपेसिटी 1.5 हेक्टेयर पर डे होती है, तो फील्ड कैपेसिटी इनकी नहीं पूछी जाती, पढ़ना भी मत, बस नाम याद कर लेना कौन सा, कौन कौन से टूल्स होते हैं हार्वेस्टिंग टूल्स, जस्ट क्वेश्चन अगर आता तो ये आएगा कि निम्न में से कौन सा हार्वेस्टिंग टूल्स है, बस, ठीक है। और जनरली कहाँ पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मैं बता दूँ आपको क्या पूछा जाता है। मोवर हमने पढ़ लिया, रिपर पूछी जाती है, रिपर पूछा जाता है, रिपर मशीन जो है ग्रेन क्रॉप जो है उनको कट करने का काम करता है। रिपर बाइंडर क्या होता है, रिपर बाइंडर जो है कट करने के साथ साथ उनको बाइंड भी कर देता है, बंडल बना देता है, तो उसको रिपर बाइंडर कहते हैं। सिकल हमने पढ़ लिया, स्वेत नहीं पढ़ोगे चलेगा, विंड्रोवर भी नहीं पढ़ोगे चलेगा, विंड्रोवर भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, कोई मतलब नहीं, पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो रिपर से क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, दूसरा कंबाइनर से पूछा जाता है, कंबाइन क्या होता है, कंबाइनर जो है जो रिपर का भी काम करता है, कट का भी, थ्रेसिंग का भी काम करता है, और विनोवर का भी काम करता है, तो कंबाइनर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रिपर, थ्रेसिंग और विनोइंग तीनों काम करता है उसको कंबाइनर कहते हैं, कंबाइन कहते हैं। रिपर क्या काम करता है, कट करने का काम करता है। थ्रेसिंग क्या होता है, ग्रेन को चारे भूसे से अलग करना, क्रॉप से ग्रेन को निकालना थ्रेसिंग कहलाता है। तीन इसमें जो है देखो, बेस्ड ऑन पावर, पावर बेसिस पे याद करो, मैनुअल में कितना आप वर्क कर सकते हो, 30 से लेकर 50 kg पर हेक्टेयर आप थ्रेसिंग कर सकते हो, और अगर मशीन अगर आपके पास है, ठीक है, पावर वाली अगर आप बात करो तो आप लगभग 300 से 500 kg पर हेक्टेयर तक यहाँ पे थ्रेसिंग कर सकते हो, ये डाटा ही आपको याद रखना है। अब इसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, कॉनकेव थ्रेसिंग सिलेंडर और एक होती है क्लीनिंग यूनिट, तीन इसके पार्ट होते हैं थ्रेसर के, कॉनकेव होता है, थ्रेसिंग सिलेंडर होता है, क्लीनिंग यूनिट होती है। कॉनकेव जो शेप्ड मेटल ग्रेटिंग पार्ट जो पार्टली जो होता है सराउंडिंग द सिलेंडर अगेंस्ट विच द सिलेंडर रब एंड ग्रेन फ्रॉम द प्लेट एंड ईयर हेड एंड थ्रस्ट विच इज द ग्रेन फॉल ऑन द सीव्स। तो ये कॉनकेव जो होता है ये क्या काम करता है, ग्रेन को थ्रेस करने का काम करता है, और ग्रेन वहां से कहाँ आ जाता है, जाली में, सीव्स में आ जाता है। थ्रेसिंग सिलेंडर जो होता है मोस्ट
कंपोनेंट ऑफ थ्रेसर, ये मोस्ट आईएमपी कंपोनेंट है थ्रेसर का, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बैलेंस रोटेटिंग होती है कंप्राइजिंग द रेस्प बीटर बार एंड स्पाइक ऑन दी पेरीफेरी एंड देयर सपोर्ट फॉर द थ्रेसिंग चिप। यहाँ पे देखो किस टाइप का होता है, पैक टू टाइप का होता है सिलेंडर, वायर टाइप का होता है, रेस्प बार होता है, एंगुलर बार होता है और हैमर मिल होती है। तो ये क्या काम करता है, ये उसको दबाने का काम, जो हमारी क्रॉप होती है उसको दबाता है, रब करता है, ये सारे काम होते हैं जहाँ से हमारी ग्रेन जो है उससे भूसे से अलग हो जाती है। क्लीनिंग यूनिट, अब क्लीनिंग यूनिट क्या काम करता है, जो थ्रेस ग्रेन है उनको क्लीन करने का काम करता है, जो ग्रेन के साथ कुछ डंटल होते हैं, कुछ कंकड़ होते हैं, इनको हटाने का काम करता है। थ्रेसिंग एफिशिएंसी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंबाइन हार्वेस्ट थ्रेसर जिसको हम कंबाइनर कहते हैं, तीनों काम जो काम करता है। विनोइंग, विनोइंग क्या होता है, सेपरेटिंग द क्वालिटी ग्रेन फ्रॉम द चाफ। अब जैसे मान लो हमने थ्रेसिंग की, थ्रेसिंग करने के बाद जो ग्रेन होता है उसमें कई सारे फिजिकल इंप्योरिटीज होती है, जैसे कंकड़ हो गया, उसमें कुछ डंटल आ गए, कुछ थोड़े बहुत टुकड़े भूसे आ गए, है ना, तो उनको अलग करना जो है विनोइंग कहलाता है। मतलब क्वालिटी ग्रेन्स को चैप से, मतलब कुछ उसमें इंप्योरिटीज है फिजिकल, उनको हटाना क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। पेडी विनोर, अब यह जैसे पेडी विनोर, अब इसमें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है पेडी विनोर है बस, 1 हॉर्सपावर की इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगती है। तो ये यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पता। जैसे पेडी प्री क्लीनर है, तो पेडी प्री क्लीनर क्या काम करता है, कुछ अपेंडेजेस होते हैं, ग्लूम्स होते हैं, जो फॉरन मटेरियल्स होते हैं इनको निकालने का काम करता है पेडी प्री क्लीनर। 150 kg पर हेक्टेयर इसकी कैपेसिटी होती है, 91% क्या होती है, इफिशियंसी होती है, बस ये याद रखना, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या होते हैं, आपका ग्राउंड नट डिकोडर होता है, एल शेप का एंगल उसमें होता है, ये सब कोई मतलब का नहीं है, कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो ये बस आप लोग पढ़ लेना, हस्क सेलर फॉर मेज कस्टर्ड सेलर कम विनोर, इसकी जो है फील्ड कैपेसिटी कितनी है, पढ़ लेना। हॉर्टिकल्चर टूल्स पे आ जाओ, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है आपका हॉर्टिकल्चर टूल्स है, ठीक है, कौन सा जो है हॉर्टिकल्चर टूल्स है, तो डीबर होता है, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग नाइफ होता है, ग्राफ्टिंग टूल्स होते हैं, ग्राफ्टिंग टेप होती है, प्रूनिंग एंड लोपिंग सेयर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो पीडीएफ जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, पर मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे ऐसी वेजिटेबल दी है जिनको ट्रांसप्लांटिंग करने में डिफिकल्टीज आती है, ठीक है, कुछ ऐसी वेजिटेबल है जिनको ट्रांसप्लांट करने में डिफिकल्टीज आती है, तो इजी टू ट्रांसप्लांट, जिनको हम इजीली ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ये लिखा है, इजी लिखा है ना, इजी टू ट्रांसप्लांट, तो यहाँ कौन सी इजी ट्रांसप्लांट में, ये है ब्रोकली स्प्राउट, ये क्या है, ब्रोकली स्प्राउट, फिर है ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स है, फिर कैबेज है, टोमेटो है और लेक्यूट है, ये जो है इजीली इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ब्रोकली स्प्राउट को, ब्रुसेल्स को, कैबेज को, टोमेटो को और लेक्यूट को, इनको इजीली जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जिनमें थोड़ी सी मीडियम डिफिकल्टीज आती है, ये लिखा है मीडियम, मीडियम जिनमें डिफिकल्टीज आती है कौन सी है, क्वालीफ्लावर, ये है सेलरी, ठीक है, एग प्लांट जो हो गया, ओनियन हो गया और ये पीपर, पीपर, इनको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है ट्रांसप्लांट करने में। और जिनमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टीज आती हैं, हाईली डिफिकल्ट, ये है वाटरमेलन, मस्क मेलन, स्क्वैश और कुकुम्बर, इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है ट्रांसप्लांट करने में फील्ड के अंदर, ठीक है। और दिया है यहाँ पे कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे ट्रांसप्लांटिंग में आते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो लॉन्ग ब्लेडेड स्प्रेड ये आता है, शार्प लोपर आता है, स्मॉल ट्रोवेल आता है, रोज प्रूनर आता है, बोन मिल एंड अदर रिकमेंडेड फर्टिलाइजर, लेदर ग्लोव्स आते हैं, ये जो है क्या है हॉर्टिकल्चर क्रॉप को ट्रांसप्लांट करने के लिए जो इम्प्लीमेंट है वो है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा इम्प्लीमेंट है जो हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स को ट्रांसप्लांट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पर, ठीक है, प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन पर बात करते हैं, ग्रीन हाउस पर। तो ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस ये तो डेफिनेशन आप पढ़ लेना क्या होता है। तो देखो ग्रीन हाउस क्या होता है, एक पूरी तरीके से कंट्रोल्ड, जिसके अंदर इन्वायरमेंट बिल्कुल तरीके से कंट्रोल होता है, ये ट्रांसप्लांट होता है, पॉलीथीन वगैरह या ग्लास का बना हुआ आता है, जिसके अंदर क्लाइमेट अपना टेम्परेचर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब बिल्कुल मेंटेन रहती है, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। मतलब कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, हाईटेक एग्रीकल्चर इसको बोल सकते हैं, हाईटेक खेती करना, ठीक है। इंडिया के अंदर कब शुरू हुआ था, 1980 में RRBSO में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया के अंदर जो है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी कब शुरू हुई थी, तो 1980 में शुरू हुई थी। क्लासिफिकेशन की बात करो ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन सेप, सेप के बेसिस की बात करो तो लीन टाइप होता है, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। लीन टू टाइप जो होता है, मान लो ये यहाँ पे मान लो कोई बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के सहारे जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है, ठीक है,
इस बिल्डिंग के सारे जो ग्रीन हाउस बनाया जाता है उसको लीन टू टाइप कहते हैं। लीन टू टाइप का मतलब कि अगर कोई पहले से बिल्डिंग है वहां पे, बिल्डिंग के साइड में अगर आपने बनाया उसके सहारे से, तो उसको लीन टू टाइप कहते हैं। देखो, लीन टू डिजाइन यूज व्हेन द ग्रीन हाउस प्लेस अगेंस्ट द साइड ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके साइड के अगेंस्ट में उसको बनाया जाता है। ये इसकी जो फेंसिंग है वो साउथ साइड में रखी जाती है, ठीक है। लीन टू टाइप ग्रीन हाउस लिमिटेड टू सिंगल और डबल रो प्लांट, मतलब किसके लिए लिमिटेड है याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सिंगल और डबल रो प्लांट बेंचेस है तो कौन सा ग्रीन हाउस जो है सुटेबल है, तो लीन टू टाइप जो सुटेबल है, और इसकी जो विड्थ होती है टोटल विड्थ 7 से लेके 12 फीट की होती है। इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, इवन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस, इवन स्पेन टाइप ये स्टैंडर्ड टाइप का जो ग्रीन हाउस है, फुल साइज इसका स्ट्रक्चर होता है, टू रूफ स्लोप इसमें होता है। ये टू रूफ स्लोप आप इस तरीके से देखते हो, यहाँ पानी निकल जाता है, टू रूफ टाइप का स्लोप होता है, पिच इक्वल पिच और विड्थ होती है दोनों रूफ में, ठीक है। अटैच टू द हाउस एट वन ग्लेबल एंड, वन ग्लेबल एंड पर ये हाउस से अटैच होता है। हाउस टू साइड बेंचेस होता है, टू वॉक्स होती है इसके अंदर, और वाइट सेंटर बेंचेस होती है। फॉर सिंगल स्पैन टाइप, स्पैन इज जनरल वेरीज फ्रॉम 5 से लेके 9 मीटर, वेयर एज जो लेंथ इज 24 मीटर। जो सिंगल स्पैन टाइप है उसमें लेंथ कितनी होती है, 5 से 9 मीटर, ठीक है, क्या होती है उसकी विड्थ, और लेंथ जो होती है 24 मीटर तक रखी जाती है। हाइट देखो, 2.5 से लगभग 4.5 मीटर हाइट इसकी रखी जाती है। अनइवन टाइप जो है ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, ये जो है हिली एरियाज में, मतलब कि जहां पर स्लोपी एरिया है, हिली एरिया है, वहां पे किस टाइप का ग्रीन हाउस सुटेबल होता है, तो अनइवन टाइप का, बस इतना ही याद रखना आपको। फिर आता है रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस। तो रिज एंड फरो टाइप यूज्ड टू आर मोर ए फ्रेम ग्रीन हाउस कनेक्टेड टू वन अनादर अलोंग द लेंथ ऑफ द ईव। अब जो रिज एंड फरो टाइप जो आपका होता है ना, इस टाइप का जो ग्रीन हाउस है, ये रिज एंड फरो टाइप की ग्रीन हाउस, तो ये रिज एंड फरो टाइप के ग्रीन हाउस जो है वो अलोंग विद द लेंथ, लेंथ के अलोंग जो है फ्रेम किए जाते हैं यहाँ पे, और ईव सर्वे से फरो आर गटर, और जो ई काम करती है, जो फरो काम करती है एज ए गटर या फरो काम करती है, इसकी जो ईव है ये एज ए गटर या फरो, मतलब क्या, मान लो बारिश का पानी है इन्हीं के बीच में से निकल के जाएगा, ठीक है। ये रेन एंड मेल्टेड स्नो है, जो रेन होगी बारिश होगी वो यहाँ पे जो ईव बना हुआ है ना इसका, ये तो यहाँ से जो है वो पानी, रेन बारिश का जो पानी है वो यहाँ से निकला जाएगा, ठीक है। जनरली ये विदेशों में, कनाडा यूरोप वगैरह में ये फॉलो किया जाता है। सॉटूथ टाइप ग्रीन हाउस, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू रिज एंड फरो टाइप, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सॉटूथ टाइप, ठीक है, फ्लो प्लांट डेवलप्ड इसके अंदर किया जाता है, नेचुरल वेंटिलेशन इसके अंदर होता है। फिर क्योंसेट जो ग्रीन हाउस है, ये ग्रीन हाउस वेयर द पाइप आर्चेस आर ट्रसेस आर सपोर्टेड बाय द पाइप पर्लिंग। अब यहां पे जो है, जो पाइप होते हैं, जो ट्रेसेस होते हैं, वो सपोर्टेड बाय द पाइप पर्लिंग रनिंग अलोंग विद द लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस, ठीक है। तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बट याद रखना ये किस में आते हैं, शेप के बेसिस पर है। अब बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यूटिलिटी के बेसिस पे देखो, यूटिलिटी के बेसिस पे ग्रीन हाउस का क्लासिफिकेशन देखो। एक्टिव हीटिंग, अगर आप मान लो ग्रीन हाउस को बिल्कुल क्या रखना है, हीट रखना है, तो कौन कौन सी चीजें वहां पर यूज करोगे, तो हीटिंग के लिए देखो यहाँ पे हीटर आप यूज कर सकते हो, सेंट्रल हीट, रेडियंट हीट वहां पे दे सकते हो हीटिंग के लिए, ताकि क्या हो उसमें हीट लॉसेस ना हो, ठीक है। अब जो आपका मान लो क्या है, विंटर का समय, ठंडी का टाइम है, जैसे अभी चल रहा है ठंडी के टाइम में, ग्रीन हाउस के अंदर क्या हो, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, हीट को मेंटेन रखना है, तो वहाँ पे हीटर वगैरह लगाए जाते हैं, ताकि जो है अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो, हीट का लॉस ना हो बस। एक्टिव कूलिंग, अब जैसे मान लो गर्मी का समय है, एक्टिव कूलिंग कब यूज करेंगे, जैसे गर्मी का समय है, समर में क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे एक्टिव कूलिंग जो कुछ लगा देते हैं यहाँ पे, कूलिंग वाला, जैसे विथ फैन एंड फोग लगा देते हैं, इवापोरेटेड कूलिंग पैड और विथ फैन लगा देते हैं, ताकि वहां पर टेम्परेचर कूलिंग मेंटेन रहे, ठीक है। ग्रीन हाउस डिजाइन इन सच ए वे दैट द परमिटेड रूफ ओपनिंग 40%, और कुछ ऐसे भी बनाए जाते हैं जिसमें रूफ को 40% तक ओपन किया जा सकता है, ठीक है। ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी है, तो वुडन टाइप स्ट्रक्चर होता है, वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बेसिस, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, पाइप वाला होता है, ट्रेस टाइप होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल, कवरिंग मटेरियल पे देखो तो ग्राउस ग्रीन हाउस होता है, प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस होता है, रिज पैनल टाइप होता है, बस नाम याद रखना है किस किस बेसिस पे कौन कौन से होते हैं। शेडिंग नेट, देखो शेडिंग नेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई टीयर रेजिस्टेंट, मतलब कि शेडिंग नेट जो होती है, जो छाया करने का काम करती है, वो मतलब क्या होता है उसमें बहुत ज्यादा वो टीयर के प्रति रेजिस्टेंस होती है, मतलब आसानी से फटती नहीं है। लो वेट ऑफ इजी, मतलब वेट उसका बहुत कम होता है। इंस्टॉलेशन जो है
लगभग वैल्यू रेंज 30 से 90% शेड वैल्यू रेंज उसकी आती है। तो याद रखना कि जो शेडिंग नेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ही क्या होती है, वेट उसका बहुत कम होता है लेकिन आसानी से फटती नहीं है। टेम्परेचर कितना रखा जाता है ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 से लेकर 6 डिग्री हायर देन द नाइट टेम्परेचर, क्लाउडी डेज में 8 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, बस इतना ही आप याद रखना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो लगभग 50 से 80% रखी जाती है, और अगर मान लो प्लांट प्रोपोगेशन का है तो प्लांट प्रोपोगेशन में 90% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिजायर है। वेंटिलेशन देख लीजिए, वेंटिलेशन जो है 35 डिग्री सेल्सियस अगर अबाउ टेम्परेचर है तो जनरली नॉट सुटेड फॉर द क्रॉप इन ग्रीन हाउस, ठीक है। एयर टेम्परेचर अगर 35 डिग्री से ज़्यादा है तो वेंटिलेशन जो है सुटेबल नहीं है। एयर टेम्परेचर CO2 देखो कितनी होनी चाहिए, तो 1000 से लेकर 1200 PPM होनी चाहिए ग्रीन हाउस के अंदर, ठीक है। इतना ही है ग्रीन हाउस के अंदर, बस ये पढ़ लेना। ये है वेंटिलेशन रूप एज वेल एज दोज वन साइड वॉल, ठीक है, अकाउंट ईच अबाउट 10% ऑफ द टोटल रूफ एरिया। तो वेंटिलेशन कितना होना चाहिए, टोटल रूफ एरिया का 10% वेंटिलेशन होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर डिजाइन ये देख लेना, ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर शुड बी डिजाइन रेजिस्ट टू 130 किलोमीटर पर आवर विंड सेलोरिटी। जो ग्रीन हाउस का जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से बनाया जाता है कि अगर 130 किलोमीटर पर आवर से हवा भी चल रही है तो वो आराम से उसको झेल ले, स्ट्रक्चर बिगड़े नहीं। अब ये कवरिंग मटेरियल है इसको पढ़ लेना, पॉलीथीन जो है इनकी लाइफ कितनी होती है, पॉलीथीन जो स्टेबलाइज अल्ट्रावायलेट रे वाली कौन सी है, पॉलीथीन फिल्म, पीवीसी फिल्म, ये सब दिया हुआ है इसकी लाइफ कितनी है, ठीक है। हालांकि ऐसा पूछा नहीं है, बस याद रखना ग्रीन हाउस सिलेक्शन कवरिंग मटेरियल शुड बी हैव यूजेबल लाइफ 10 से 20, ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी लाइफ 10 से 20 साल हो। वाटरिंग, वाटरिंग देख लो यहाँ पे वाटरिंग कैसे देना है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वाटरिंग में देखो वाटरिंग थ्रो द ईच टाइम, तो 10 से 15% एक्सेस वाटर हम अप्लाई करते हैं। रूल क्या बोलता है, 10 से 15% एक्सेस वाटर आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और वाटर कब अप्लाई करते हैं, जब इनिशियल मॉइस्चर स्ट्रेच आपको दिखाई दे। मेथड क्या है उसमें, हैंड वाटरिंग कर सकते हैं, पेरीमीटर वाटरिंग कर सकते हैं, ठीक है, हैंड वाटरिंग कर सकते हैं, पेरीमीटर वाटरिंग कर सकते हैं, ओवर हेड। पेरीमीटर वाटरिंग में देखो बंचेस और बेड पर अगर हमने कोई क्रॉप लगा रखी है तो उसके लिए पेरीमीटर। ओवर हेड स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं, ओवर हेड स्प्रिंकलर में 0.6 मीटर टोटल हाइट इज सफिशियंट फॉर बेंडिंग प्लांट फ्लैट, 1.8 मीटर फॉर दी फ्रेश फ्लावर, मतलब फ्रेश फ्लावर है तो 1.8 मीटर आप ओवरहेड स्प्रिंकलर की हाइट रख सकते हो। नोजल जो है 360 पैटर्न पर आप यूज़ करोगे, वहाँ पे चारों तरफ से जो है वो पानी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जो है बूम वाटरिंग कर सकते हो, क्लोज या ओपन सिस्टम है, ठीक है। बूम वाटरिंग जो है वो क्लोज ओपन सिस्टम दोनों में काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग ग्रोन इन प्लग ट्री, ठीक है, प्लग ट्री होते हैं उसमें। ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हो, ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी 90 से 95% होती है। सेम जो ड्रिप इरिगेशन इरिगेशन वाला जो पार्ट में हम पढ़ेंगे वही है, यहाँ कुछ अलग से नहीं है, ठीक है, यही पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है। अब बात करते हैं सर्वेइंग की। सर्वेइंग क्या होता है, सर्वेइंग एक क्या है, इट इज़ ए आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। मान लो ये हमारी लैंड है, लैंड में अगर हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी है, तो ये जो सर्वे कहलाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम डिटरमाइन करते हैं, जो सर्वे कहलाता है क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। ये जो मेजरमेंट क्या कहलाता है, सर्वेइंग कहलाता है। मतलब हमें क्या पता करना है, डायरेक्शन पता करना है, ठीक है। अगर हमें डायरेक्शन पता करना है किस डायरेक्शन में, एंगल पता करना है, एंगल कितना है, लोकेशन पता करना है, एरिया पता करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्वेइंग कहते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्लान और मैप तैयार करना क्या है, प्लान और मैप तैयार करना क्या है, सर्वेइंग के मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्लान और मैप तैयार करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। मान लो आपने प्लान किया है कि आपको अभी एक क्वेश्चन RRBSO में भी पूछा गया था, नहीं RRBSO नहीं, SADO में पूछा गया था कि जो सर्वेइंग है उसमें कितना एरिया जो है कंसिडर किया जाता है, 50 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर या 150 स्क्वायर किलोमीटर या कितना एरिया कवर किया जाता है। जनरली ये कोई पढ़ाता नहीं है और ना ही पढ़ते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया, ठीक है। तो हमें एरिया भी ध्यान रखना है कि जो प्लेन सर्वे है उसमें कितना एरिया तक कवर किया जाता है, क्योंकि स्मॉल एरिया कवर किया जाता है और जो कैडेस्ट्रियल है उसमें लार्ज एरिया कवर किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या है, प्लान मैप और प्लान दोनों क्यों करते हैं, जैसे मान लो आपने प्लान किया है कि आपको 100 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको डायरेक्शन पता करना है या उसका एंगल पता करना है, तो पहले उसको मैप में आप कवर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप 1000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस जो है कैसे मेजर करोगे, तो पहले उसको मैप में ड्रा कर सकते हो। और मान लो 1000 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको आप मैप पे 10 किलोमीटर बता सकते हो या 1 मीटर बराबर 1000 किलोमीटर इस तरीके से शो कर सकते हो। तो प्लान और मैप जरूरी है, मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सर्वेइंग दो टाइप की होती है, एक तो जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे भी होता है, ठीक है। जियोडेटिक सर्वे इज डिटरमाइन द
प्रिसाइज पोजिशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ सिस्टम वाइडली डिस्टेंस पॉइंट, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूरी पर। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, अर्थ में मान लो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आपको पता करना है, दूरी पता करना है, तो उसमें जियोडेटिक सर्वे ही करना पड़ेगा, प्लेन सर्वे नहीं कर सकते। प्लेन सर्वे तो स्मॉल एरिया के लिए, मतलब फार्मर की फील्ड को मेजरमेंट करना है, फार्मर की फील्ड मेजरमेंट करना है, एक हेक्टेयर की फील्ड मेजरमेंट करना है, तो ये प्लेन सर्वे में आ जाएगा, ठीक है। अब इन दिस सर्वे कर्वेचर जो होता है अर्थ का, वो लेते हैं, अर्थ का कर्वेचर इसमें लिया जाता है, जियोडेटिक में अर्थ का कर्वेचर लिया जाता है, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस इसमें ली जाती है, कवर की जाती है, जैसे आर्टिफिशियल सेटेलाइट कम इनटू द वाइज यूज ऑफ द सर्वेस, तो इस सर्वे को करने के लिए सेटेलाइट का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि लार्ज एरिया है, ठीक है, अर्थ का कर्वेचर भी मेजर करना पड़ता है इसके अंदर। प्लेन सर्वे जो होता है, प्लेन सर्वे क्या होता है, अर्थ को बिल्कुल प्लेन माना जाता है, अर्थ हमारी क्या है, गोलाकार है, लेकिन अर्थ को बिल्कुल प्लेन माना जाता है। क्यों प्लेन माना जाता है, प्लेन ही होगा ना, फार्मर की फील्ड आप देखोगे स्मॉल एरिया में तो वो प्लेन ही आप होगी, कर्वेचर इसका लेते ही नहीं है, अर्थ का कर्वेचर, ये जो कर्वेचर है लेते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लेन मान रहे हैं, कर्वेचर लेते ही नहीं है, ठीक है। और स्मॉल एरिया में इसको लेते हैं, लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट स्ट्रेट लाइन एंगल ऑफ द प्लान, मतलब लाइन जो जॉइनिंग होगी आपका, जो लाइन एक पॉइंट से दो पॉइंट पर जॉइनिंग कर रहे हो, या क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, बिल्कुल सीधी रेखा होगी। देखिए आपको क्या करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन करना है रोड का, नालियाँ बनानी है, इरिगेशन चैनल बनाने हैं, तो आप इसमें बिल्कुल प्लेन सर्वे करोगे, है ना, उसमें कर्वेचर नहीं लेते हो। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेट्रिक चेन की जो लेंथ कितनी होती है, 20 मीटर 30 मीटर दोनों होती है, अगर 20 मीटर है तो एक दोनों की जो लिंक है, लेंथ ऑफ लिंक वन, एक लिंक की जो लेंथ कितनी होती है, 0.2 मीटर होती है, टोटल लिंक अगर 20 मीटर वाली है तो 100, 30 मीटर वाली है तो 150 होगी। क्या काम है ये, हेक्टेयर, किलोमीटर और हेक्टेयर अगर पता करना है तो मेट्रिक चेन का यूज़ किया जाता है। गंटूर चेन जिसको सर्वेयर चेन भी कहते हैं, 66 फीट इसकी लेंथ होती है, पूछा जाता है एक जो लिंक है, एक लिंक जो लेंथ है उसकी कितनी है, 0.66 फीट है, टोटल 100 होती है, क्या यूज़ होता है, एकड़ और माइल पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रिवेन्यू चेन 33 फीट की होती है, एक चेन, एक लिंक जो की जो लेंथ होती है वो 2.06 फीट होती है, टोटल लिंक 16 होती है। कैडेस्ट्रियल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे मतलब लैंड सर्वे बोल सकते हैं उसको, लैंड सर्वे बोल सकते हैं। बाउंड्रीज अगर हमें पता करनी है, जैसे कि हमें पता करना है कि हमारे भारत की जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है वो कितनी है, तो कैडेस्ट्रियल सर्वे उसमें किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आईएफओ के अंदर, तो कैडेस्ट्रियल सर्वे मतलब समझ जाना, हमें बाउंड्रीज पता करनी है तो कैडेस्ट्रियल सर्वे किया जाता है। इंजीनियरिंग चेन 100 फीट की होती है, एक लिंक 100 फीट की, तो 100 लिंक है, टोटल 100 फीट हो जाएगा, फीट और डेसिमल पता करने के लिए, ठीक है। स्टील बेड चेन होती है, ये भी 20 से 30 मीटर की होती है, बाकी इसमें कोई यूजेस लिखे नहीं है। अब यहाँ पे और कुछ कन्वर्जन है, 10 गंटूर चेन बराबर एक फार लॉन्ग होता है, 80 गंटूर चेन बराबर एक माइल होता है, 10 स्क्वायर गंटूर चेन बराबर एक एकड़ होता है, ये कन्वर्जन भी याद रखना। फिर दिया है टेप, टेप के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, टेप क्या होती है, जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो हम चेन की जगह पर टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, एक्यूरेसी अगर मेजरमेंट रखना है तो हम टेप का यूज़ करते हैं, ठीक है। सर्वे इज नॉट वेरी रफ एंड टफ कैन बी यूज, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हमें क्या करना है, ग्राउंड टू बी सर्वे इज नॉट वेरी रफ एंड टफ करना है तो रफ द टेप कैन बी यूज कर सकते हैं। सर्वेइंग टेप जो मोस्टली 30 मीटर की होती है, देखो क्लॉथ या लिनन टाइप की जो टेप होती है, कौन कौन सी लेंथ इसमें होती है, वार्निश स्ट्रिप ऑफ वोवन लिनन की बनी होती है, 12 से 16 mm विड्थ इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। सब्सिडरी मेजरमेंट सच एज ऑफसेट, ऑफसेट के मेजरमेंट में यूज की जाती है। फिर मेटालिक टेप, इसकी लेंथ दी हुई है, कॉटन और लिनन की बनी हुई होती है, ठीक है। रिफर्निश विद द फाइन ब्रेस, कॉपर भी इसमें यूज होता है। स्टील टेप की ये लेंथ दी हुई है, स्टील रिबन और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ चेन, चेन की जो एक्यूरेसी चेक करने के लिए स्टील टेप का यूज किया जाता है। फिर है इनवार टेप, क्या है इनवार टेप, इनवार टेप में आ जाओ, ये 30, 50 और 100 मीटर की होती है। एलॉय स्टील इसमें 64% होता है, निकेल 37% होता है। बेस लाइन ऑफ ट्रायंगुलेशन एंड सिटी वर्क, ट्रायंगुलेशन एंड सिटी वर्क में जो बेस लाइन बनाई जाती है उसके लिए इनवार टेप यूज की जाती है। सिंथेटिक टेप 10 मीटर की होती है, ग्लास फाइबर और पीवीसी की कोटिंग होती है उस पर, और शॉर्ट लेंथ मेजरमेंट के लिए सिंथेटिक टेप यूज की जाती है, शॉर्ट लेंथ मेजरमेंट के लिए, ठीक है। आई थिंक बस इतना ही है, अगर देखना चाहो तो ये है रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड क्या होती है, रेंजिंग रोड आर यूज फॉर रेंजिंग लाइन टू मार्क स्टेशन विच आर ग्रेटर डिस्टेंस। मान लो ये एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्वे करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रेंजिंग रोड लगानी पड़ेगी बीच में, क्यों, क्योंकि अगर हमें बिल्कुल एक इक्वल डिस्टेंस रखना है तो बीच में रेंजिंग रोड लगानी पड़ेगी। रेंजिंग रोड दो साइज की होती है, 2 मीटर की होती है, 3 मीटर की होती है, ठीक है। इक्वल पार्ट मतलब 0.2 मीटर लॉन्ग, 0.2 मीटर की क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबाई होती है उसकी। कंसिडरेबल डिस्टेंस
अगर मान लो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसमें रेड व्हाइट और येलो कलर का फेक लगा दिया जाता है, ऊपर झंडा लगा दिया जाता है येलो कलर का, रेड कलर का, व्हाइट कलर का, ताकि दूर दूर से वो दिखे। ठीक है, मान लो आपको ये है, इतने से इतने दूर का मेजरमेंट करना है कि ये जो आपको जो दिख रहा है ना पेन, और ये मेरी जो उंगली है, दोनों बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। तो यहाँ से तो मैं एक सीध में मिला सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम इन दोनों को सीध में कैसे मिलाएंगे? बीच में ये रेंजिंग रोड लगाते हैं, रेंजिंग रोल लगाते हैं, वो ज़्यादा डिस्टेंस हो तो उसमें झंडे लगा देते हैं रेड या हेलो येलो कलर के, ताकि जो है हम बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट कर सके, और झंडे रेड रेड कलर के, येलो कलर के होते हैं तो दूर से दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। एरो और चेन पिन होते हैं, एरो और चेन पिन का क्या काम है? ठीक है, अब एकॉम्पनी ईच चेन 10 एरो, एक चेन में जो है 10 एरो रखे जाते हैं। दे आर मेड ऑफ गुड क्वालिटी मेटालिक वायर, 4 mm के मेटालिक वायर से इसको बनाया जाता है। ठीक है, मिनिमम टेंसिल स्ट्रेंथ 700 N/mm² होती है। मार्क एंड ऑफ इच चेन, जैसे मान लो आपने चेन यहाँ से यहाँ तक आपने चेन लगाई, अब मान लो आपको आगे और यहाँ तक सर्वे करना है, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? ये एरो लगा देते हैं, ताकि फिर आप यहाँ से यहाँ तक फिर चेन का मेजरमेंट कर सको, या फिर एरो लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक फिर मेजरमेंट कर सको, बाकी पूरी लेंथ आप जोड़ सकते हो। ठीक है, प्लूम बॉम होता है, प्लूम बॉम आपने देखा होगा, प्लूम बॉम कैसा होता है? लट्टू जिसको बोलते हैं, जब मकान बनते हैं तो मकान में जो दीवार का मेजरमेंट करते हैं ना लट्टू से, बमरी से, उसको प्लूम बॉम बोलते हैं ना, इस तरीके का होता है वो, ये इस तरीके का। ठीक है, तो वुडन पेक यूज मार्क पोजिशन ऑफ स्टेशन, या ये तो पेक हो गया। ठीक है, एक्यूरेसी सेंटर ऑफ कंपास लेवल एंड थायोडेटिक ओवर स्टेशन मार्क टेस्टिंग द वर्टिकली रेंज ऑफ द पोल। ठीक है, मान लो ये पोल है हमारा, तो इसको हमने वर्टिकली मेजर करना है, तो ये लट्टू का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए बिल्कुल, तो इसको प्लूमोम बोलते हैं। पेग होते हैं, वुडन पेग आर यूज टू मार्क पोजिशन ऑफ स्टेंस, तो पेग का भी यूज़ किया जाता है, ये लकड़ी के होते हैं। ठीक है, लकड़ी के होते हैं, इनमें भी क्या होता है, कलर्स होते हैं, कलर्स कर दिए जाते हैं इनको भी। मेड आर हार्ड टिम्बर एंड टेम्पर्ड एट द वन एंड, तो हार्ड क्या होता है, लकड़ी के टिम्बर के बने हुए होते हैं ये, 2.5 मीटर स्क्वायर क्या होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर के होते हैं, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। सॉफ्ट ग्राउंड में पेक 40 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 से 5 सेंटीमीटर स्क्योर सुटेबल होते हैं, अगर सॉफ्ट ग्राउंड है वहाँ पर। तो पेक का भी क्या काम है, स्टेशन को मार्क करने में, पोजीशन को मार्क करने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रेंजिंग रोड की जाती है। ऑफसेट रोड क्या होती है, ऑफसेट रोड इज सिमिलर टू द रेंजिंग रोड बट इज़ द यूजुअली 3 मीटर लॉन्ग, ये भी रेंजिंग रोड की तरह ही होती है, 3 मीटर लॉन्ग होती है, इज डिवाइडेड इंटू द पार्ट ऑफ 0.2 मीटर, जैसे उसमें भी लेंथ है 2 मीटर डिवाइड किया जाता है। चीफली यूज फॉर द एलिगेशन ऑफ ऑफसेट लाइन एंड मेजरिंग द शॉर्ट ऑफसेट, मतलब अगर हमें कम दूरी मेजर करना हो, शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करना हो, तो ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। क्रॉस स्टाफ होता है, क्रॉप स्टार्ट यूज फॉर फाइंडिंग द फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट और पॉइंट टू लाइन। तो क्रॉस स्टाफ का यूज कहाँ किया जाता है, दो चीज यहाँ पे दी हुई है, एक तो फाइंडिंग द फुट, मतलब जो हमारा पाँव है जो है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट एट द लाइन, जो हम पाँव से मेजरमेंट करते हैं वो वाली बात है यहाँ पे। सेटिंग आउट द राइट एंगल, राइट एंगल सेट करना है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण अगर आपको बनाना है, 90 डिग्री का कोण आपको सेट करना है, तो क्रॉस स्टॉप की जरूरत पड़ती है। क्रॉस स्टॉप इस तरीके का होता है, 4 इस तरीके से इसमें उठे हुए होते हैं, बीच में यहाँ होल होता है, 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है तो यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, ओपन टाइप का होता है, फ्रेंच टाइप का होता है, क्लियर है? ऑप्टिकल स्क्योर देख लीजिए, लास्ट है ये, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया तो इतना ज़्यादा समय हमें नहीं देना है। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है, मोर एक्यूरेट, अगर अगर हमें क्रॉस स्टॉप से भी ज़्यादा एक्यूरेसी पता करना है तो ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज़ किया जाता है। बस इतना ही याद रखो, बाकी पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहीं पे हमारा जो है सेशन ख़त्म होता है। बच्चों, सेशन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मेहनत करता हूँ भाई, इतनी देर खड़ा हुआ हूँ तो मेहनत लगती है, बोल रहा हूँ एनर्जी लगती है, काम करना पड़ता है, नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, एनर्जी लगती है भाई। आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरीके के लेक्चर लेके आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।